अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? आपको पता है कि ज़िंदा रहने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए ख्वाब देखने पड़ते हैं। और वो ख्वाब कभी भी आप अकेले नहीं देखते। जब आप छोटे होते हैं और आप ख्वाब देखते हैं बड़ा आदमी बनने का, तो आपके साथ आपके वालिदैन होते हैं कि अगर आपने बड़ा आदमी बनना या बड़ी औरत मतलब लाइक नाम कमाना है, तो वो पेरेंट्स आपके साथ मिलकर सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। फिर आप थोड़े से और बड़े हो जाते हैं और आपके बहन भाई इर्द गिर्द होते हैं और आपको अपना गोल अचीव करना होता है, तो आप बहन भाइयों का सहारा लेते हैं और वो पूरा ख़ानदान, पूरी सिबलिंग्स मिलकर ख्वाब देखते हैं। फिर ज़िंदगी और आगे बढ़ती है और आपको आपकी ज़िंदगी का हमसफ़र मिल जाता है। फिर आप हमसफ़र के साथ मिलके ख्वाब देखते हैं और फिर यही सर्कल इसी तरह चलता है कि फिर आप अपने बच्चों के साथ मिलकर उनके लिए ख्वाब देखा करते हैं। अलग अलग किस्म के ख्वाब होते हैं, कभी एजुकेशन को लेकर, कभी प्रमोशंस को लेकर, कभी कहीं एक मुल्क छोड़ दूसरे मुल्क शिफ्ट होने को लेकर। लेकिन अक्सर हमने देखा है जब अल्लाह ताला दो लोगों को एक बंधन में बांधता है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ बनते हैं, तो बहुत सारे ख्वाबों के साथ कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जैसे कि घर, अपना घर बनाने का ख्वाब, अपनी गाड़ी, फलानी गाड़ी लेने का ख्वाब, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजने का ख्वाब, मतलब छोटे भाई को डॉक्टर बनाने का ख्वाब, या कोई ऐसा जो साथ एक कपल मिलके देखता है। उसमें सबसे ज़्यादा बड़े ख्वाब मुझे लगता है अपना घर बनाने का ख्वाब। वो मेरा ख़्याल से हर कपल, चाहे वो एक रक्शे वाला हो, चाहे वो एक पियोन हो ऑफिस का, चाहे वो एक मज़दूर हो, चाहे वो एक GM हो किसी ऑफिस का, चाहे वो कोई बड़ा स्टार हो, चाहे वो कोई बड़ा डॉक्टर हो, या कोई भी किसी भी प्रोफेशन में हो, सब अपनी हैसियत के हिसाब से ख्वाब देखते हैं और घर हर कोई बनाना चाहता है। मैं कभी कभार जो मेरे घर में हेल्प है उनसे बात करती हूँ, तो उनका ज़िंदगी का एम और मिशन यही होता है कि हाँ, हम जो हमारी गांव की ज़मीन है ना, वहाँ पे हमने ज़मीन लेके घर बनाना है। इसलिए हम घर के सारे अफराद जो है ना, छोटे बहन भाई भी, छोटे बच्चे भी कमा रहे हैं ताकि हम अपना ख्वाब पूरा कर सकें। वो सिर्फ मियाँ बीवी ख्वाब नहीं देखते, उस तबके में पूरी फैमिली शामिल हो जाती है कि हमें ज़मीन लेके घर बनाना है। तो जनाब, आज वैसे तो मैं कपल्स को अपने शो पे बुला रही हूँ और फिर उनके ख्वाबों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे नामवर शख्सियात हैं जिनको शायद उनके स्पाउस की ज़रूरत नहीं पड़ी अपना ख्वाब पूरा करने के लिए। उन्होंने अकेले ही इतनी मेहनत की, उन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया। और आइए देखते हैं कि उन्होंने किस तरह के घर बनाए, कितनी मालियत के घर हैं उनके। नाम सर फहरिस्त है जी बिल गेट्स का। आइए चल के देखते हैं कि उनका घर कैसा है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल बिल गेट्स का घर सेनेडू 2.0 दुनिया के महंगे तरीन घरों की फहरिस्त में शामिल है। ये घर वॉशिंगटन स्टेट में मौजूद है। इसका कुल रकबा 66,000 स्क्वायर फीट है। इसकी कुल मालियत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 9.5 अरब रुपए बनती है। इस घर की तामीर में 500 साल पुराने दरख्तों का इस्तेमाल किया गया था। ये घर जिद्दत की आला मिसाल है। इसके स्विमिंग पूल्स में भी स्पीकर लगे हुए हैं। इस घर में मर्जी के मुताबिक मसनूई बारिश करवाई जा सकती है। ठंड लगने पर जमीन को गर्म करने का सिस्टम लगाया गया है। इसके साथ साथ घर के बाहर मौजूद झील में हर वक्त एक आबदोज तैयार रहती है, जो किसी भी खतरे की सूरत में बिल गेट्स को महफूज जगह पर मुंतकिल करने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। क्या भाई, जबरदस्त भाई, क्या बात है। कैलिफोर्निया में भी एक दुनिया का महंगा तरीन घर मौजूद है। आइए देखते हैं। खाली आंखों को सेकने के लिए सही है, हमें तो भाई छोटा सा घर ही सही, वही हमारे लिए अच्छा। लेकिन चलिए देख लेते हैं महंगा तरीन दुनिया का घर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के मालिक लैरी एलिसन का घर दुनिया के महंगे तरीन घरों में से एक है। ये घर 2012 में $200 मिलियन की लागत से ऑर्डर पर बनवाया गया था, जो 23 एकड़ पर मुहित है। इस घर में 10 इमारतें हैं, मसनूई आबशार, टेनिस कोर्ट, 2 गैरेजेस और मसनूई झील भी मौजूद है। इस घर में 7वें दर्जे का जलजला बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है। इसे कोई भी शख्स पाकिस्तानी तकरीबन 5 अरब 60 करोड़ में अपनी मिल्कियत बना सकता है। हाँ जी, तो देखिए ख्वाब होते हैं भाई, सुनहरे ख्वाब होते हैं और वो कभी किसी के पूरे होते हैं, कभी कोई पूरा करने जा रहा होता है, लेकिन जब हस्बैंड एंड वाइफ साथ मिलकर ख्वाब देखते हैं और वो एक साथ पूरा करते हैं तो बुढ़ापे में बैठ के ना जब वो आपस में गप्पे मार रहे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि देखिए फ़लाना जगह हमने घर लिया था, ज़मीन ली थी, वो कितने की ली थी और अब देखिए कितने अच्छा हो गया। इस तरह की बातें जो है आपको और करीब करती हैं और आप एक साथ जब एक सर्टेन एज में आते हैं तो अपनी मेहनत और मशक्क़त देखने के बाद जो एक मज़ा मिलता है ना, आई डोंट थिंक सो कि वह अब्बा के पैसों के घर का मिलता होगा। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड आपकी मुलाकात आज बहुत ही प्यारे प्यारे कपल से कराएंगे और उनसे करेंगे उनके दिल की बात। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जैसे कि मैंने आपको एक हिंट तो दे दी है सुबह सुबह कि जो कपल होता है वो जो वो ख्वाब देखता है एक साथ मिलके उसका मज़ा ही अलग होता है कि आप अपना अकेले ख्वाब देखें, अच्छा जी मैंने ये बनना है, लेकिन अगर साथ मिलके ख्वाब देखा जाए तो वो ख्वाब पूरा करने में बहुत मज़ा आता है। एक ऐसी जोड़ी जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, अगर जो मैं मेल सेलिब्रिटी हैं उनका जिक्र करूँ कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ बेसिकली तो किसी और जॉब से किया था, लेकिन वो एक अंदर जब टैलेंट होता है ना तो वो खुद अपनी जगह बना लेता है, लोगों को दिख जाता है और फिर एक साथ दोस्तों की कंपनी में बैठ के जब वो टैलेंट दिखना शुरू हुआ तो रिकमेंडेशन शुरू हो गई। एज कमेडियन, स्टैंड अप कमेडियन, अपना टीवी होस्ट एंड साथ एक्टिंग के जौहर भी दिखाए और आपके हमारे बराबर वाले चैनल यानी ARY न्यूज़ पर सुबह सुबह आपके चेहरों पर ना सिर्फ मुस्कुराहट बिखेरी बल्कि आपको बाखबर भी रखते रहे। हर लम्हा पुरजोश में आपने इनको डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा। एक्चुअली घर में ये क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, क्या मिमिक्री किसकी कर रहे होते हैं, ये सब हमें जानना ज़रूरी है इनकी वाइफ से, इनकी स्पाउस से। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस शफात। शफात अली। जितना लंबा लगता है कि बुजुर्ग। रुबैका कैसी है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? प्लीज तशरीफ रखिए। अच्छा ये अक्सर ऐसा होता था जवेरी और सऊद को बुलाती थी तो उनकी मैचिंग होती थी। हाँ, तो आज पहली दफा मैंने देखा है ये फुल मैचिंग नहीं, अच्छा नहीं दिया, अच्छा नहीं, ये बाकी मैच किया है कभी? ये जबरदस्ती हुआ मैच की नहीं। और वो भी ऐसा है कि ये जनाना कलर भी है, मर्दाना भी है, सही चूज किया है। ये आप देख लें, ये जो चूज है अगर उन्होंने पीला पहना होता फिर क्या? सुबह मैंने इनको दो चॉइसेस दी, मैंने कहा ये या ये, तो इन्होंने कहा मेरे पास इस कलर का है तो यही पहन लेते होंगे। ये जो इन्होंने कलर चूजा है ना, ये बड़ा अच्छा चूजा है। अरे मैं अक्सर जैसे ये करती हूँ सवाल, जो कभी कोई एक्टर या सेलिब्रिटी आता है कि घर में भी एक्टिंग करता होगा लेकिन आज मैं सवाल उल्टा कर देती हूँ। ये डॉक्टर साहिबा है तो क्या घर में भी हर वक्त डॉक्टर बनी रहती हैं? देखा, कहा था ये खा लिया। एक कैफियत है ये 5 साल उस माहौल में रह के वो कैफियत अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हर शख्स के सामने, हाँ, जो सामने है उसको उड़ा दो अपनी डॉक्टरी। ओहो, ये कैफियत चल रही है। ये आधे खुद भी अब डॉक्टर बन गए हैं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी ये यूज कर रहे होते हैं, जब किसी के सामने बोलते हैं कहते हैं आप भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, अक्सर मैंने जब इंटरव्यू लिया तो मियाँ बीवी जब हस्बैंड या वाइफ एक्टिंग करते हैं ना, मतलब लाइक घर में कोई भी सीरियस जुमला भी बोल रहे थे तो उनका स्पाउस कहता है मेरे सामने ज़्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। तो कहीं आपको तो ये सुनने को नहीं मिलता मेरे सामने ज़्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं? नहीं नहीं, ये उल्टा सीन है। ये उल्टा सीन है, मेरे सामने ज़्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ये जुमला बहुत आता है। और दूसरा, जब हमारी लड़ाई हो रही होती है कभी भी, उस वक्त अगर कहीं कोई हिडन कैम लगा हो ना या कोई माइक लगा हुआ, तो वो यकीन करे वो खुद अपनी जात में एक स्टैंड अप का सेट हो, दोनों एक दूसरे पे जुकते मार रहे हो नहीं कहे, और सीरियस पक्के मुंह के साथ। Oh my God! और वो हिलेरियस होता है। बाद अगर जब मैं बाद में बैठ के वो रिकॉल करता हूँ ना तो वो हंसी आ रही होती है। बच्चे को कह दिया करें ना वीडियो बना ताकि वो एंटरटेनमेंट पैकेज रहे आप लोगों के पास, यादगार एक एल्बम क्रिएट करें। अभी उसने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किए हैं वीडियोस बनाना। अच्छा, छोटी छोटी उसकी बड़ी क्यूट वीडियोस होती हैं, लेकिन लड़ाई के टाइम में ना वो भी अंदर भाग जाता है, वो भी जो है वो पतली गली से निकलता है। अच्छा, सामने यहाँ एक और बहुत प्यारा कपल, ऐसा ये कपल ऐसा है कि हमें मौका मिला इनकी शादी की जो रस्मुआत हैं वो अदा करने का और आप लोगों ने इसे बेहद इन्जॉय किया। ये आई थिंक सो जितने भी मैंने वेडिंग वीक्स किए उसमें ये सबसे बड़ा वेडिंग वीक था। पूरे पाकिस्तान के स्टार्स इसमें शामिल हुए थे और आप यकीन जानेंगे कि इस वेडिंग वीक के लिए दुल्हा भाई को कन्वेंस करना जो है वो ऐसा था, पता नहीं लक के साथ ऐसा हुआ। वो अपनी बेगम की भी नहीं सुन रहे थे, तो मैंने कहा चलो जी क्या फ़ायदा जब साली की बात ना सुनी जाए, तो मैंने उनको बड़ा बनाया और उसकी वजह से, उनके मानने की वजह से वो वेडिंग वीक ना सिर्फ उस कपल ने इन्जॉय किया बल्कि आप सब ने बहुत इन्जॉय किया। और हमारे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की लाइक वो कहते हैं ना कि एक अगर अच्छे प्रोग्राम्स में या अच्छे वीक्स में अगर हमसे पूछा जाए 12.5 साल, तो मैं कहूँगी सरे फहरिस्त है हमारा वो वेडिंग वीक। लेकिन उसके अलावा भी बहुत क्वालिटीज़ हैं इस कपल में, जो खातून हैं कपल की, वो उन्होंने अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा दिखा के आपको रुला रुला के आपके दिल में जगह बनाई। फिर उसके बाद होस्टिंग भी कर, शादी के बाद ज़्यादातर फिर वो होस्ट एज होस्ट नज़र आई। और जिनके हस्बैंड हैं उनके हाथ में कहते हैं ना जादू है, दामाद के हाथों में, तो मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि उनके हाथों में बड़ा जादू है। उन्होंने जर्मन तो उनको आती, आज हम जर्मनी की बातें भी करेंगे और जर्मन में भी बोलेंगे, डॉयच भी बोलेंगे और बहुत सारे वो बातें करेंगे जो हमने बड़े दिन से नहीं की, क्योंकि अब बड़े दिनों बाद परदेश से दामाद जी आए हैं। वेलकम करते हैं सादिया इमाम अपने हस्बैंड अदनान हैदर के साथ, मिस्टर एंड मिसेस अदनान हैदर। मैंने कहा पहले बता दूं ना ताकि लोगों को पता चले। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग भी पहली दफा ही मिल रहे हैं, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात। बिल्कुल, प्लीज बैठिए प्लीज। हाँ जी, कितने साल हो गए अदनान भाई? माशाल्लाह। जर्मनी में? नहीं, जर्मनी हमारी शादी सादिया के साथ माशाल्लाह से 9 साल हो गए। हाँ 9 साल हो गए, निकाह के साथ तो 9 साल हो गए, रुखसती को 8 साल हो गए। आप लोगों की शादी को कितने साल हुए? हमारे निकाह के साथ कितने हो गए? तकरीबन 9 साल। अरे सेम ओह माय गॉड, 2012। अच्छा, अप्रैल 12 हमारी जो थी वो जून 12 थी। अच्छा। और फिर 13 में हमारी जनवरी में शादी थी। हाँ। तो अम्मी की डेथ की वजह से वो फरवरी में चली। अच्छा अच्छा। कितनी अदनान भाई आप मुझे बताएं सादिया में कितनी चेंजेस आई हैं इन 9 सालों में, और आप मुझे बताएं आपकी डॉक्टर साहिबा मेहरबैका में कितनी चेंजेस आई? पहले मैं ज़रा खवातीन की चाह हो जाए ना फिर। हाँ अदनान भाई, चेंजिंग तो देखें ये कि हम लोग इतना एक तो साथ रहे ही नहीं, क्योंकि मैं जर्मनी होता हूँ। हाँ। और ये होती है पाकिस्तान में। लेकिन ये कि चेंजिंग जो मैंने देखी है कि मीरब के बाद ये ज़्यादा वो हुई। हाँ। भाई आप 9 साल बाद कोई मुरवत नहीं रखता, मतलब यहाँ पे इस सोफे पे जब 1 साल बाद मुरवत का ख्याल भी ना रखें, मतलब ये अरमान ही रह गया हमें कि हमारे साथ कोई मुरवत हो। कंफर्म जन्नती है, कंफर्म जन्नती, कंफर्म जन्नती है भाई। तो वो अब 9 साल बाद सुनाई। हाँ शुरू से अच्छी थी और अभी भी अच्छी हैं और माशाल्लाह से ख्याल इतनी अच्छी है कि इन जैसी दो, ऐसा तो नहीं कह रहे ये अच्छी हैं तो ये पाकिस्तान आई हैं वापस। मैंने कहा नहीं जा समरन, अपनी जिंदगी जी ले। अमरीश पुरी बन गया। जी जी जी। असल में तो अमरीश पुरी नहीं है अंदर से, आप नहीं, बिल्कुल नहीं। पूछ लूंगी मैं केवाली से अपनी। नहीं, नहीं, नहीं। तो आपको लगता है पहले से मैच्योरिटी आई है, चेंजेस आए हैं फैसला लेने में, ये कुछ बदलाव हुआ है? ऑफ कोर्स जी जी बिल्कुल। हाँ ऐसा है, ऐसा है जी। आप बताएं भाई जरा रेबेका में कितनी चेंजेस आई हैं? डॉक्टर साहिबा जो है वो बदली है 9 साल में? बहुत बदली इसमें, तो थोड़ी नहीं। कहती है ना कि आप बदल गए। आज इनमें बहुत चेंज आई, बहुत चेंज आई है। एक तो मेच्योरिटी जाहिर है वो साथ साथ आती है। हाँ। और दूसरा एक पर्सपेक्टिव भी ना दुनिया को देखने का वो बदल जाता है। हाँ। तो वो चीज़ मैं महसूस करता हूँ। बाज़ औक़ात जो चीज़ें पहले समझानी पड़ती थी। हाँ। या बतानी पड़ती थी कि यार ये फलां बंदा बेसिकली जो है ना इसका इस बात कहने का ये मतलब है। हाँ। तो अब इनको ये रीड कर लेती है, तो अब ये बात, और बाज़ औक़ात इसकी रीडिंग मुझसे बहुत ज़्यादा आगे होती है। किसी बंदे को देख के मुझे बता रही थी यार ये बंदा ना मुझे उसकी तरह लगा है, फिर मैं जब रिलेट करने की कोशिश करता हूँ तो वो हो जाता है, बात हो जाता है। और कई दफ़ा इसकी रीडिंग अच्छी होती है। हाँ ये बात ये सही कह रहे हैं। मैं खुद अब अपने आप को उससे कंपेयर करती हूँ, कहती हूँ मैं कितनी बेवकूफ़ वाली बातें करती थी। और अच्छा, वो उसमें ख्वाहिशें भी थोड़ी सी बेवकूफ़ाना होना। आपने गजरे दिन को नहीं लाया, आपने आपने इतनी दोनों से फूल नहीं दिया, वो वाला वो आप में भी थी चीज़, हमारा थोड़ा डिफरेंस था, वो बिल्कुल ज़्यादा थी। हाँ लेकिन अब कवर हो गई। यहाँ मेरा अलग था, मैं एक ऑलरेडी स्टारडम देखा हुआ, मैच्योरिटी देखी हुई, अपने फैसले खुद करने वाला, करने की मतलब आदत थी। नहीं तो आपने कोई खबी ख्वाहिश नहीं की मुझे भूल लिया आपने। नहीं वो मैं तुम्हें बताना चाहिए जो मेरे अंदर चेंज आया ना वो अब मुझे में सुनने की आदत आ गई है। वो शुरू में जो सबसे पहले बहुत दफा का है कि मेरी शादी को चलाने में अदनान का हाथ है, वरना इतनी डिसाइसिव लड़की जिसने इतना अरूज देखा और इतना का तो वो मेरा था कि बस मैंने कह दिया तो हो गया। अच्छा घर में भी मेरी ये पोजीशन तुमने देखा है कि पापा अम्मी के साइड से कि अच्छा जो सादिया ने कहा हो गया। अदनान अपने घर में बड़े एग्रेसिव हैं, छोटे हैं लेकिन एग्रेसिव हैं, घर के फैसले करते हैं। तो हम दोनों को ना तो शुरू में तो मैं कह के दोनों एक जैसे मिल गए ना, दोनों एक जैसे मिल गए और शुरू में बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही मुझे याद है फर्स्ट सेकंड डे हम दोनों की बिल्कुल हम दोनों यूँ आगे खड़े हो गए थे, एक्सक्यूज मी ये हो क्या रहा है, मतलब क्या चाह रहे, ओके थोड़ा ब्रेक चाहिए, मतलब ये वाली हाल माधुरी दीक्षित और थोड़ा ब्रेक चाहिए दिल वाले। मैं अगले कारी शादी को 12 घंटे हुए अभी का ब्रेक चाहिए, बस थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो ये इनकी मेच्योरिटी थी कि इनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार जिससे मैंने शादी की इसने अपनी जिंदगी खुद तो उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया। फिर ये चले गए जर्मनी, फिर ये वापस आए हमारे उस वीक के लिए, मैं उससे पहले की बात बता रही हूँ उस वीक के लिए। फिर ये चले, मुझे फॉरेन जाना था जर्मनी में, 1 साल बाद जर्मनी गई हूँ। मतलब मैं अपने पापा के साथ रही क्योंकि अम्मी की डेथ हो गई थी तो मैंने कहा मुझे अपने बाप को टाइम देना है। मैं अभी अच्छा, वो लड़कियां जो ये सोचती है ना कि बाहर की जिंदगी आसान है वो नहीं है, बहुत मुश्किल है। 1 साल जो था ना हम दोनों के लिए बड़ा अच्छा हो गया। नाउ अब मुझे मेरे अंदर जो अब मैं 9 साल बाद देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अब मैं पूछ रही होती हूँ अच्छा ये बताए ना अब करना है तो बताएं कि अब क्या करूँ। पहले मैं इनको बताती थी कि अब मैंने ये कर दिया है तो वो चीज़ें आके ना हमारे दरमियान क्लैश होता था। अब ये कि अदनान का फैसला होता है होगा वही जो मैं चाह रही हूँ लेकिन मैं इनके मुंह से सुन लेती हूँ तो मुझे खुश होता है। ये ठहराव बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो कपल्स जिनमें ये ठहराव आ जाता है। हम अपने दोस्तों में कईयों को देखते हैं कि जिनकी जिंदगी में 10-10 साल 12-12 साल भी वो ठहराव नहीं आया अभी तक, वो लड़ते बढ़ते ही रहते हैं वो भी बच्चों वाली बातों पे। कभी-कभी हंसी आती है। उसके लिए ना पहले पे आप अपना माइंड बनाएं कि यार आपने शादी करनी है कि नहीं करनी। जब शादी करनी है तो फिर उस हिसाब से चलना चाहिए। बाद वो स्टीयरिंग व्हील पे हर बंदा बैठना चाहता है, हर बंदे को ये लगता है। और बाद दफा मर्द ऐसे होते हैं जो केपेबल नहीं होते कि वो स्टीयरिंग व्हील पे आ सकते, नहीं आते। बाद दफा खवातीन ऐसी होती है कि वो इतनी केपेबल होती है कि वो स्टीयरिंग व्हील पे हमें यकीन नहीं आ रहा कि इतनी सीरियस गुफ्तगू हो रही है। शफात क्या होता है, हम शादी की फिलॉसफी पे बात कर रहे हैं कैसे शादी चलनी चाहिए। नहीं लेकिन ये जो हमारे व्यूअर्स हमें देखते हैं हमें पसंद करते हैं और जो ये देखते हैं कि जी यार इनके अभी माशाल्लाह शादी को 9 साल या 10 साल तो उनको पता होना चाहिए कि जिंदगी में कहाँ कहाँ हमें भी मुश्किलात का सामना हुआ था। लेकिन मैच्योरिटी या आपके इर्द गिर्द के आपके अपने जो चीजें होती है ना देखने का नजरिया वो आपको बदलता है। अच्छा वैसे मुझे बताएं लड़ाई झगड़ा अगर होता है तो मनाने में पहल दोनों कपल्स की बात करूं कौन करता है आपकी हमेशा? हाँ शफात ये आप हंसी मजाक करके मनाते होंगे, कुछ किसी की मिमिक्री करके जल्दी मना लेते हैं और इतना मतलब आप इनको अगर खफा ना आप खफा नहीं रह सकते ज्यादा क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसी फनी बात या कोई ऐसा काम कि बस आप हंस। एक ब्लेसिंग है कि हस्बैंड का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, ये एक ब्लेसिंग है। मुझे तो मेरा मियाँ का भी बहुत अच्छा है तो वो मुझे लगता है बड़ा बड़ी एक ब्लेसिंग है। यहाँ कौन मनाता है? अदनान में सॉरी कहने की आदत नहीं है जो मुझे सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज होती है। अच्छा ये सॉरी कहते हैं मेरी भी नहीं थी, सॉरी भी नहीं थी मतलब सॉरी भी नहीं और मनाते नहीं। तो मुझे 9 साल में नहीं मनाती मैं ही हूँ, यानी कि मनाने से मुराद है मैं उस बात को खत्म कर देती हूँ, मैं रिपीट नहीं करती। इनकी भी सबसे अच्छी बात है कि ये रिपीट नहीं करते दोबारा आके क्या अच्छा वो हुआ था। सुबह गए जो मसला हुआ वो कहानी नहीं है कि चलो ना बाहर खाना खाने चलते हैं, चलो ना सॉरी चलो हग कर लिया। कुछ लड़ाई आज हुई 3 दिन बाद खाने पे ले जाऊंगा, अरे भाई अभी के अभी करना था ना तो वो नहीं होता। मतलब वो ये हमारे ना मैं आपको बोला हमारी लड़ाई जब होती है तो वो झुकते चल रही होती है। एक दफा हमारी लड़ाई हुई और मैंने अलमारी खोली और मैंने इसका शजरा खोल लिया, शजरा वो किताब में पढ़ा हुआ मैंने वो निकाला, कहती क्या देख रहे हो? मैंने कहा मैं देख रहा हूँ उसमें हिटलर का नाम है या नहीं है तो वहाँ से सेटल हो गई बात। ये भी हस्बैंड मैं भी हस्बैंड। अच्छा अब होता है ना कंपनी मैटर्स अ लॉट, तो आप अगर आपकी सीरियस आदमी से शादी हुई होती है आपकी खुद पर्सनैलिटी सीरियस बन जाती है ना। अब आपके जो सर्कल में लोग हैं आपके दोस्त वगैरह वो कहते हैं कि यार तुम भी तुम्हारा भी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा मुझे कहती हैं कि पहले आप हमारी तरह थी अब आप शाफी भाई की तरह हो गई ये अच्छा मेरे यहाँ ये सब इनकी तरफ है, इनकी साइड लेते हैं। हाँ कि भाई हाँ सादिया की भाई कि ये मेरा पूरा ससुराल मेरे साथ खड़ा है। हाँ, ये अकेले आपको सौतेला कर देते हैं और ये यहाँ ये पार्टी यहाँ पे बदल लेते हैं। मेरी माशाल्लाह इनकी बड़ी फैमिली 11 बहन भाई हैं, ये सबसे छोटे और वो सब मेरे साथ हैं, मतलब 10 के 10 मेरे साथ हैं। ये कभी कोई ऐसी बात भी हो ना तो वो कहते हैं नहीं ये ठीक कह रही हो कि तुम्हारा तुम्हें हम जानते हैं। यार वहाँ बड़ी होती है वैसे और खास तौर पे छोटा हो जब सब। अच्छा इधर ना शफात मेरी पूरी फैमिली इनके साथ है, जब भी कोई भी बात हो ना मेरे साथ कोई नहीं होता, सब इनकी साइड ले रहे होते हैं। मैंने कहा यार ये अजीब बात है, आप लोगों ने पार्टी चेंज कर ली है। और इसकी जो फर्स्ट कजन है वो मेरी भाभी है। अच्छा तो उसकी वजह से ऑलरेडी घर में एक बड़ी अच्छी लॉबिंग हुई हुई है। कोई भी गेम होता है कसूर घर वालों को पता होता है कि मेरा ही सबको पता होता है मेरा कसूर है। और मैं भी मतलब माइंड बना रहा था कि मैं घर वालों को कन्विंस करूंगा, बात करूंगा कि मैंने ये डिसीजन लेना है या ये इन्वेस्टमेंट करनी। उनको ऑलरेडी पता होता है कि मैं गलत हूँ। हाँ। और वो पता नहीं कैसे पता होता है, पता नहीं हम लोगों में से कोई है जो बता रहा है, पता नहीं कौन है। एक छोटा सा ब्रेक और फिर जानते हैं इनकी जिंदगी के ख्वाबों के बारे में कि जब दो मिले दो मिलकर क्या ख्वाब देखे। आइए एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दो बहुत प्यारे कपल्स हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे शो पे और मजे की बात यह है कि दोनों को एक दूसरे से मिले हुए तकरीबन रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए हुए। मैं न्यूज़ वाले आए ना तो गाड़ी गाड़ी सादिया की भी उर्दू तरीका मुंसलिक हुए हुए 9 बरस बीत चुके हैं इत्तेफाक से। मैं अपनी ज़बानी बोलूँगी भाई मुँह मेरा टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा भाई यहाँ हम करेंगे दिल की बातें। एक तरफ दिल है सादिया और अदनान भाई का, वहाँ से शुरू करना पहले हम सुनेंगे। हाँ अच्छा अच्छा यहीं से कर लेते हैं। बड़े मज़ेदार दिल है ये, कुछ मतलब पता नहीं छिचोरा लगता है दिल, लेकिन इसमें बातें बड़ी मजे की। ये वो दिल की बातें जो हम कह नहीं पाते हैं और हैं। Exactly. Actually यहाँ ये वो दिल की बातें जिनके पीछे पड़ती है पसूड़ी। पता कभी कभार ऐसा होता है पूरी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन ये सवाल जवाब हस्बैंड वाइफ को मौका नहीं मिलता है। पसूड़ी नहीं पड़ती। हाँ जिंदगी गुजर जाती है। इस शो में आके बड़े बड़े हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से इजहार कर पाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं अच्छे हंसते खेलते घर भेजती हूँ खेलते। तो अब यहाँ जो है ये कुछ सवाल है ऐसे जो दिल की बातें हैं शफात की और रबेका से मैं पूछूं और यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो रबेका के दिल की बातें हैं वो शफात से पूछेंगे। मैं मिस तारिक अजीज बन चुकी हूँ आज सवाल का सिलसिला और वो हम सब मिलकर शफात से पूछेंगे इसके दिल की बातें रही कैसे। अच्छा रबेका तुमसे शुरू करते हैं ना, मतलब मैं शफात से सवाल करती हूँ। ठीक है रबेका के दिल की बात। और ओके किसी और खातून की तरफ ज्यादा तवज्जो करते हुए मतलब ज़्यादा तो। तारीफ करते हुए सॉरी किस तारीफ है ये वो रोमन में गलत था। किसी और खातून की तारीफ ज्यादा करते हुए पाए जाएं तो ऐसे में वाइफ के दिल में क्या ख्याल आता होगा शफात, आपको क्या लगता है? यार आपको मेरे माथे पे क्या लिखा नजर आता? क्या मैं क्यों तारीफ करूं किसी और खातून की इसके साथ? कभी कभार इंसान के मुंह से निकल जाता है। नहीं मैं करता ही नहीं हूं ये काम। ये आप मुझे दीवार से लगाने की साजिश कर रही है। ये देखता ही नहीं पलट के आप। अच्छा आप पाकिस्तान में क्यों दिमाग टिका के बैठ गए, आप पाकिस्तान से बाहर जाए? हाँ 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 बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं कोई सीजन देख रहा हूँ, मैंने किसी एक्ट्रेस की एक्टिंग की तारीफ कर दी। हाँ। फिर उसके बाद मैं पलट के देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये गलत हो गया। फिर मैं उसके बाद उसको कवर करने की कोशिश, यार मतलब नाक टेढ़ी है इसकी फिर भी देखा जाए दंद भी बड़े हैं इसके अगर आप मेरी एक तिरछी निगाह। अच्छा चलिए ये तो बात हो गई कि आप अंग्रेज औरतों की तारीफ करते हैं रबेका के सामने, तो रबेका क्या सोचती होंगी, क्या फील करती होंगी? ये सवाल है मेरा। फील करती हैं, हसद फील करती हैं, गुस्सा चढ़ता है, क्या फील करती हैं? कुट मारने का मुझे दिल चाहता है लेकिन ये बर्दाश्त कर जाती है। रबेका साफ बता दो तुम्हारे दिल की बात है। नहीं नहीं मैं कोई बर्दाश्त नहीं करती, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब ये सुन लो खबर अंग्रेज औरतों की पाकिस्तान तक की टेको पाकिस्तानी और चाहिए इस पे फिर वो बाकी पुरतशद्दद कार्रवाई ये उसको ना पीट आपने कहा मैं उसको जाके ना पीट वही तो कह रही हूँ। ओके भाई एक सवाल हो गया। हाँ भाई अब रबेका क्या सोचती हैं ये देखिए भाई, नींद में आपके मतलब नींद में आप हों और आपके मुंह से किसी नेटफ्लिक्स की अंग्रेज वाली एक्ट्रेस का नाम आप बड़बड़ाने लगे तो रबेका के दिल में क्या होगा? आप नींद और बेबड़ाहट में फर्क समझ नहीं पा रही ठीक है, पहला इतनी नींद नहीं आती कभी भी शादी के बाद आती कहाँ हो जाती है और ये सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कभी हुआ तो ये इसका दिल क्या चाहेगा, क्या करे ये आपके साथ? मैं अगर ऐसा होना हुआ तो हाँ। वो तकिए के नीचे पिस्टल पड़ा होता तो वो कहीं जाके छुपा दूंगा पहले, क्योंकि हवाई हो जाएगी उस दिन। ओके, आपको लगता है कि अगर कहीं इसके बंदूक पड़ी होगी करीब हवाई फायरिंग हो जाएगी। हवाई फायरिंग हो जाएगी। क्या रबेका ये सही है? बस ऐसे ही है कुछ। रबेका ने कहा मैं बैठ के नीचे धक्का देता हूँ। भाई दिल की बात है, खतरनाक है, खतरनाक है भाई। पठान आप है कि ये है? उससे बाज भी आना नहीं। अजीब बात। आपकी कही हुई बातों को अगर भूलने लग जाए तो फिर ऐसे में इनके दिल में क्या ख्याल आएगा? अगर मैं इनकी बातों को भूलना, मतलब जैसे आप रबेका ने आपको कोई काम का या बात की और आप ना आपकी आदत बन गई है, आप बीवी की बातों को भूलने लगे हैं, तो फिर ये क्या इनके दिल में ख्याल आएगा? देखिए ये ख्यालात जो भी इनके दिल में आते हैं ये दिल तक तो नहीं रखती। अच्छा। उसके बाद ये स्ट्रीट फाइटर में बन जाती है रियो, हदूकिन हदूकिन हदूकिन, ठीक है। और मैं बहुत कोशिश भी कर लूँ ब्लॉक नहीं कर सकता। अच्छा। फुल गोले आते हैं मेरी तरफ। तो ये मगर मैं भूल जाऊँ, जो कि मैं भूलता हूँ। हाँ। सच्ची बात है, भूल जाता हूँ बाजू का चीज़ें। लेकिन उसके बाद ये एक सिरप है इनके पास, बेस्टीफोल 1000 mg, ये वो पिलाती है। उसके बाद तबीयत साफ हो जाती है। सारे आदमियों के लिए एक ये है बेस्टीफोल 1000 अच्छा बेस्टीफोल 1000 mg। आपके पास है कोई ऐसा सिरप? मेरे पास इतनी जरूरत नहीं है। ओके, सही है भाई। वो असल में ये होता है बात ताने मारने। हाँ। वो रिकॉल होती रहती है अगले तकरीबन 5 दिन तक, तो बात रिकॉल होती है, ट्रांसमिशन चलेगी, मुसलसल नैगिंग आती जाती है, बंदा कितना स्टॉप करे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इनके दिल में ख्याल ये आता है मेरी तो कोई कदर ही नहीं। हाँ। मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है। और ये ख्याल हर बीवी के दिल में, कोई फायदा ही नहीं है ना, है ना? हर बेस्ती सिरप का भी कोई फायदा नहीं। वो पिला देती है। हाँ, कभी पिलाती रहती है अगले 5 दिन। कभी हैरानगी होती है तुम्हें रबेका कि ये भूले नहीं बात? होती है कभी कभी। ऐसा हो ना कि जब मैंने कोई बात ना भूली हो जो मैंने कही हो, तब हैरानी होती है ये क्या हो गया, कहाँ से निकला है? आज कैसे याद रहेगा। ओके भाई, अगला सवाल। अच्छा, और भी है? हाँ भाई। ओके, हस्बैंड को एक्स्ट्रा केयर करते हुए पाए तो ऐसे में वाइफ के दिल में क्या आएगा? मतलब मैं अब आप ये सवाल जनरल लिखा हुआ है, मैं आपसे इसलिए उन्होंने कहा इधर ना जल जाए गलती से उधर ना। अगर ऐसा लगे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ना इनका ख्याल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकी बातें भूल नहीं रहे, चलो आज लंच पे, चलो डिनर पे, एक्स्ट्रा ख्याल थोड़ा, दो सूरतें होती हैं। क्या ख्याल आएगा इनके दिल में? इनके दिल में तो ख्याल आएगा कि कुछ छुपा रहा है, कुछ छुपा रहा है। हाँ, दिल में कुछ और है, कुछ दाल में कुछ काला है। इनके दिल में तो ख्याल आएगा। लेकिन वो दर हकीकत ये होगा कोई इवेंट आने वाला होगा जिसके लिए मुझे इनको प्रेप करना, क्योंकि इनको सरप्राइज देना बहुत मुश्किल काम। ये ACP प्रद्युमन जो है हर वक्त इसको शक हो जाता है। अच्छा, बहुत मुश्किल काम है इनको सरप्राइज देना। ये अभी लास्ट टाइम भी पकड़ लिया था इन्होंने जब बर्थडे वाला सरप्राइज आपने प्लान किया था। जी, वो आखिर मतलब समझे कोई तकरीबन 5-6 मिनट के अंदर जो है। हाँ। वो सारी कार्रवाई हो गई, वरना मैंने इनको पूरा बहुत मजे का दिन था बर्थडे। हाँ। वाले दिन मैं सुबह से ना तैयार होकर बैठी हुई थी। हाँ। आज कुछ ना कुछ होना है। ये मुझे हंस रहे हैं कि तुम क्यों तैयार हो रही हो, कोई नहीं आ रहा, तुम मतलब बेवकूफ लग रही हो तैयार होकर घर में। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना आए। 4 बज गए, मतलब मैंने चाय के लिए सब कुछ रेडी कर दिया। 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 तक जब कोई नहीं आया ना, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई। मैं कही तो सही कह रहे थे, वाकई में कोई नहीं आया। आज सारी हेरा वगैरह से भी, हेरा ने आना था, हमारे नेबर्स ने बड़ी जबरदस्त एक पार्टी अरेंज की थी। उन्होंने कहा था कि आप इनको लेके 1 घंटे के लिए ऑफ होंगे। Okay. हम घर टेक ओवर करेंगे और उसके बाद हम सारा कुछ करेंगे। अच्छा, तो वो 1 घंटा इनको निकालें कैसे? तो उसके लिए पहले इनको डीमोरलाइज करना था। हाँ। सुबह से मैंने इनको डीमोरलाइज करना शुरू किया। कैसे निकाला 1 घंटा? तो वो 7 o'clock तक मेरी बिल्कुल वो होगी ना, कोई नहीं आया, पूरा दिन जाया। वैसे तुम तैयार हुई हो, चलो बाहर कहीं खाना खाए। तो मैं वाकई में मैंने कहा यार कोई भी नहीं आया, इतनी मैं तैयार, मैंने कहा चले बाहर चले जाओ। बाहर भी जाके 50 रुपए के वो गजरे लेके मैंने कहा खिला लिए रखो, गिफ्ट फिर कल करेंगे। लंबा चक्कर लगा के और कुछ खाया भी नहीं। मैंने कहा हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हम वापस जा रहे हैं। कहते बस छोड़ो, ये देखो फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, चलो घर जाते हैं। फिर सरप्राइज मिला, देखा था मैंने, मजेदार था। ओके जी। हाँ, मतलब जैसे आप नॉर्मली जाते हैं ऑफिस या लेकिन किसी एक दिन आप ज़रूरत से ज़्यादा परफ्यूम ज़रा ज़्यादा लगा रहे हैं, फिर तैयारी ज़्यादा है, मैचिंग के सॉक्स, जूते, ये वो सब तरह तैयारी एक्स्ट्रा तैयारी है, तो उनके दिल में क्या ख्याल आएगा? ये सिर्फ एक तिरछी निगाह करेंगी और उसमें आपने समझ जाऊंगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उसमें इंसान के पास दो ऑप्शन होती है, हाँ। या तो पहाड़ी से कूद जाए या ना जाए। अच्छा, तो मैं इनको पहले कहता हूँ नहीं तुम कह रही हो तो मैं नहीं जाता, हाँ। रीड कर लेता भाई, ऐसा नहीं है, भाई बहुत शाना है भाई, बहुत है। तो उसके बाद होते नहीं, हाँ। चले जाओ, तो इसका मतलब अभी भी खैर नहीं है, हाँ। खतरा टाला नहीं। आप तुम रुबैका सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या यही आता है कि मतलब नॉर्मल इवेंट के अलावा कहीं और जा रहे हैं, हाँ। मतलब इतना तैयार होकर चेक करती हूँ फोन वगैरह करके, फोन वगैरह चेक इसलिए करती हूँ क्योंकि इनकी सारी मैनेजमेंट में ही करी होती हूँ, तो फोन तो जाहिर सी बात है, ईमेल वगैरह मेरे में तो चेक तो हो रहा ही होता है। भाई एक बड़ा मजे का किस्सा है यहाँ पे, ये इन्होंने बड़ी यू नो इंकिसारी से काम लिया। ऐसा हुआ कि मैं लाहौर में था और ये गई थी पेशावर, अच्छा, अम्मी अबू के पास गई, मैं दोस्तों की तरफ निकल गया, फिर पहले एक की तरफ गया फिर दूसरे की तरफ चला गया, मुझे फ़ोन आया कि आप क्या कर रहे हो, हाँ। मैंने कह दिया मैं घर पे हूँ, हाँ। देखा कि नहीं आप घर पे नहीं है, मैंने कहा भाई अल्लाह मियां थोड़ी हो तुम्हें कैसे पता चल गया? पता चला कि वो मेरा गूगल लोकेशन इनके फोन में भी लॉग इन हुआ हुआ था। ये गुड गर्ल, इन्होंने वहां से देखा एसी पे प्रद्युमन जो चल रहे हैं। सुने क्या मतलब यहाँ पे आप तो जर्मनी में होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ होता है, इसने कहाँ है और क्या है, ये सवाल जवाब नहीं होता, ये सीधा साधा आदमी। सादिया ये बिल्कुल इमरती की तरह सीधे मैं कहती हूँ मर्द के पीछे दिमाग खपाना जब से फारिग औरत होगी, मैं बिल्कुल नहीं खपाती, हाँ। मैं सुकून में रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जितना आप घुसेंगे ना अपने आप को तकलीफ देंगे, बेहतर रहो बस, हाँ। तो मैं मेरे देवर कहते हैं जो वहाँ होते हैं ना, कहते हैं यार एक ही थी हमारी बारी में क्यों नहीं मिली ये वाली। तो मुझे रिश्ते में तो होने एक्स्ट्रा कॉल तक नहीं करती, इवन तो अगर ये मुझे कह जाएंगे आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी कभी आज तक ये रिकॉर्ड है कि कभी वीडियो कॉल मैंने कभी नहीं इनको की, ना ही कॉल की कि आप कब तक आएंगे। अब मुझे कह गए तो मुझे वो जहर लगता है कि, और इवन यही अदनान की बात है, अगर मैं इनको बता के गई हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ और मुझे इतना टाइम लगे, तो ये मुझे तब तक कॉल नहीं करेंगे जो मैंने इनको टाइम दिया है। मुझे तो वीडियो कॉल अगर नहीं उठाए ना यार सर, तो मुझे तो कुछ हम करते नहीं कॉल, एक दूसरे को लगता है मेरा खून निकल गया पूरा, बिल्कुल शुगर लेवल लो हो गया। मेरा मियां हर तीसरे महीने पूरी दुनिया के किसी टूर पे निकला होता है, कभी कहीं जा रहा है, अच्छा वहाँ की जब मुझे तस्वीरें भेजता है तब नहीं बोलता इतनी ढील है मियां को, तब मुझे पता चलता है अच्छा आप क्या गए हुए थे, अच्छा आप यहाँ गए हुए थे। सादिया हर कोई सादिया इमाम नहीं हो सकती, हाँ मैं हूँ ऐसी, मैं मुझे तो अक्सर आपकी बैत करना चाहता हूँ, आप जरूर आएंगे। ये कैसे होता है? Oh my God, इतना समझ कैसे आता है भाई? ये सारे आपके शागिर्दी में आना चाहिए। दिल जीतना पड़ेगा अपनी वाइफ का। जब आपने दिल जीत लिया, तो वो सब कुछ करती है। अभी देखते हैं दिल जीतते हैं। ओके जी, हाँ जी, अब ये सवाल होंगे रुबैका से, ये शफात के दिल की बात है, ठीक है? घर आते हुए रोटी, दही, ब्रेड और लंबी लिस्ट दे रही हूँ, तो ऐसे में शफात के दिल में क्या आएगा? आ रहे हैं रास्ते में, हाँ। ARY से निकल कर आए हैं घर तक पहुंचते यही आएगा कि मैं इतना थका हुआ हूँ और देखो इतने बहुत सारे काम भी मुझे दे रही हैं, ये खुद ही कर लेती, हाँ? जाके ड्राइव करके यही, हाँ? शायद आएगा। अच्छा, शफात ने ये सोचा था कि मतलब अब मैं घर के करीब पहुंच गया हूँ, मैं घर आने वाला हूँ, हाँ। तब मैं लाइक बाजार के करीब था, तब तो बोला नहीं और अब बोल, हाँ। शफात के दिल में आएगा, वो बेचारा ले आएगा, ले आएगा। कैसा लगता है डबल रोटी अंडे लेना, अब फिर उसके बाद इतने लोग पहचानते हैं, दही लेने आए आप? हम भी नॉर्मल घरों में रहते हैं। वो बाजू का कोई एक आध होता है दिल जला, वो कहता है भाई घर में कोई लड़का वड़का नहीं है क्या, किसी और को भेज दिया, हमें कह दिया कर, हमने नहीं नहीं भाई तो हमारा फर्ज है, ये तो हमारा फर्ज है, छोटा काम थोड़ी है, भरम भी तो है। ओके, डॉक्टर साहिबा भी तो खाना पकाती है घर में, तो ऐसे ही और क्या छोटा काम थोड़ी है कोई। किसी दिन बीवी ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुरा रही हो तो दिल में क्या ख्याल है? मतलब जिस दिन आप ज़रा नॉर्मल बहुत अच्छे मूड में, खास तौर पे सुबह उठने के बाद, अच्छा ठीक है ना, वो बड़े अच्छे मूड में हो हैं आप, तो क्या ख्याल आएगा इनके दिल में ना, मतलब कि आज इनके दिल में यही ख्याल आएगा कि या तो आज कोई अच्छी बात हुई है या कोई अच्छा इवेंट है, हाँ। या फिर इनके दिल में ये ख्याल आएगा कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, इसी टाइप का कुछ ख्याल है। वो उल्टा सोचते हैं, वो उल्टा सोचते हैं। आज मेरी शामत आने वाली है, आज मेरी शामत, मुझसे कोई गलती हो गई है, आज मेरी शामत आने वाली है, मतलब कुछ हुआ है आज, अच्छा हो रहा है, अभी फटेगी है कि अभी जो इतनी अच्छी बन रही है, अभी क्या कुछ चलेगा। वो होता है कि अब इसके पास सबूत आ गए, अब सबूत आ गए। अच्छा इसलिए हंस रही है। अल्लाह क्या टॉम एंड जेरी इसी पे बना, इसी रिश्ते पे, आप लोगों को नहीं पता। ओके, घर के बिल ज्यादा आ जाएं तो क्या ख्याल आएगा शफात के? मैं कहता था लाइटें पंखे बंद करो, मैं कहता था एसी ज्यादा ना लगाओ, हाँ। बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, बिल्कुल बचत नहीं। बिल ज्यादा आने पे भाई भिन्नोट हो जाता। अच्छा, हमारे घर में उल्टा चक्कर। अच्छा, हमारे घर में ये जब इस तरह बिल ज्यादा आया तो एक जोर की चीख होती है और पंखे लाइटें बंद, ये वो, जब सबको पूरे घर की बेइज्जती हो जाती है यासिर की तरफ से। दूसरे दिन वो खुद ही एसी खोला छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद हम लोग सारे फैमिली मिलके जो हम वीडियोस बना बना के, ये आप खुद एसी खोल के चले गए, अब आज आपकी बारी है, मेरे बच्चे, मैं, हम सब मिलके फिर उसे सुनाते, फिर उसकी बेइज्जती डे होती। वाह वाह वाह। हाँ, पहले एक दिन पहले हमारी होती है। अच्छा, ये बिल्स पे सारे मर्दों की प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्स पे प्रॉब्लम है और लाइटें बंद नहीं करनी, मेरा रोना है। अदनान इतना बड़ा झूमर क्यों जलाता? अच्छा, इनके साथ मसला क्या है, छोटी लाइटें नहीं, बड़े बड़े शैंगलियर जला देते हैं। कमरे में घुसेंगे दोनों शैंगलियर ऑन है, बाथरूम में ए सी ऑन। अरे भाई अल्लाह के बंदे, मौसम बदल गया, अब तो अच्छा निकलते हुए बंद कर दो। नहीं, सादे बाथरूम में ए सी का क्या काम है ना, हमारे कमरे में बाथरूम में तो एक फाखिर ने बोला था कि मेरे बाथरूम में तो एसी लगा हुआ है। एक दूसरा, मैंने वैसी गर्मी बहुत लगती है और दूसरा ये तैयार होने में आप कपड़े, तो एसी लगा दिए तो 5 घंटे बैठे रहते होंगे एक बाथरूम में, निकलते नहीं। वो इनके मसले ही, इतनी देर तक बैठी नहीं सकते बाथरूम में, सिनेमा थोड़ी किलो जो है तो सिनेमा में भी अदनान 5 घंटे सबसे मुश्किल काम। बाथरूम में सिनेमा लगा दे, चिपचिपाहट। फाखिर बता रहा था मैंने तो टीवी भी लगाया हुआ, मैंने कहा बस कर दो, तुम्हारी बीवी तंग है क्या तुमसे, एसी भी लगाया हुआ है, टीवी भी लगाया हुआ है, ये क्या है? तो मेरा एक काम है, जब ये निकलते ना, फिर मैं फौरन घुसती हूँ, एसी बंद, बाथरूम की लाइटें बंद, कमरे की लाइटें, एसी बंद। मैं कहती या अल्लाह, सुनते हैं हम है। बिल्कुल। अच्छा, अब ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल करके जाएंगे और फिर ब्रेक से बाद आके फिर आप लोगों के दिल की बातें होंगी। बिना बात के गुस्सा कर रही हूँ और या जोर जोर से बोल रही हूँ, ऐसे में इनके दिल में क्या ख्याल आएगा? मतलब आपकी नेचर थोड़ी सी ऐसी हुई भी है, उन्होंने कोई गलती की नहीं है, लेकिन बस बिना बात के गुस्सा आ रहा है, तो इनको यही ख्याल आएगा कि फिर भी मैंने ही कुछ किया, मैंने ही कुछ किया। अल्लाह में चार, इससे इतनी हमदर्दी पहले नहीं थी। अल्लाह, मुझे भी आज बहुत हुई है। पहले बता दे मेरा जवाब, मुझे भूल चपाती के जवाब दिया क्या इन्होंने, कहा है मुझे तो दिल में कोई ख्याल नहीं आता, मुझे सिर्फ हंसी आ रही है। एग्जैक्टली। मैं, मुझे जब भी गुस्सा आता है ना इनको बाजू का, तो मुझे हंसी आना शुरू हो जाती है और वो इससे और गुस्सा। ये मेरा मसला है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे हंसी आने लगती है। आपको गुस्सा आता है तो आपको, मैं हंसना शुरू हो जाती हूँ, मुझे मतलब मैं, और लोग समझते हैं कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मतलब कोई मसला नहीं है, और वो हंसी जो होती है ना, वो फिर ब्लास्ट होती है, बस मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा, और इनकी ना, जब मैं गुस्से में हूँ और ये जब इसी तरह हंसने लगते हैं ना, तो मेरा गुस्सा और ज्यादा आता है, मतलब मैं गुस्से में हूँ, आपको और हंसी आ रही है, मेरा गुस्से की कोई वैल्यू नहीं है, आप हंस रहे हैं। ओके, आखिरी सवाल, अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो क्यों आ रही है खूबसूरत लड़की बार बार? ये सवाल है ना, नहीं है भाई कोई लड़की, किरदार देख के साथ ये ने फैसले किए, सवाल कह रखा। अब ये जो है ना, जुबान से कुछ नहीं कह रहे आपको, लेकिन अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो इनके दिल में क्या ख्याल आता होगा? हाँ, ये टेक्निकल मामला हो गया। इनके दिल में क्या ख्याल आता होगा? इनके दिल में क्या ख्याल आता होगा? दिल में ख्याल आता होगा, उसके बाद ये फिर क्या जुबान से क्या एक्टिंग करते होंगे ताकि आपको कोई पता ना चले दिल की बात? नहीं, एक्टिंग तो ये कुछ नहीं करेंगे, इनके दिल में जो ख्याल आएगा बस यही आएगा कि क्या है, बहुत खूबसूरत है। इन्होंने क्या जवाब दिया जो ये पहले बता चुके हैं? नाक टेढ़ी है ना इसकी, खूबसूरत लड़की है सामने, लेकिन बीवी को कहा जा रहा है यार नाम थोड़ी टेढ़ी है इसकी, नहीं मतलब लाइक ये है टांग एक ऊंची और एक नीची है इसकी। लगता है पोलियो के खतरे पूरे नहीं थे। लो भाई यहाँ तो हो गई दिल की बातें, और इस दिल की बातों से दोनों की पर्सनालिटी हमें समझ आ रही है। बड़ी चालाक है हमारी टीम। अब जो है ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो अदनान भाई हमारे दिल खुलेंगे, सादिया के दिल की बात रेडी रहे, फोर्स रेडी रहे। छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज दो बहुत ही प्यारे से कपल्स हैं, वो ऐसे कपल्स हैं जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे। एक तो नहीं था मियाँ गए परदेश, वो कौन सा गाना है पता नहीं, टेलीफोन मेरे पिया रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। हमारे वाले तो वो भी नहीं करता है, याद सताती है। रंगून जो नहीं जाते, क्या रंगून नहीं जाते, वो जर्मनी जाते। अभी मैं एक साल रह के जर्मनी से वापस आई, तो मैं जिस दिन पहुंची तो 3 दिन अदनान की कॉल ही मुझे नहीं आई। मैं कहा या अल्लाह, इस कदर रिलैक्स हो गए, पता चला भाई साहब अपने कामों में। कह रहे यार मैंने शुक्र अदा किया तुम गई हो, इतने काम बिजी थे तुम्हारे से मैं घर और बाहर में फंस के रह गया। वहाँ पे भाई हर चीज तो खुद ही करनी पड़ती है, यहाँ आपके आधे से ज्यादा काम तो ड्राइवर कर देते हैं, स्टाफ यहाँ हर चीज खुद। हाँ आसान नहीं है जिंदगी गुजारना, हम 2 साल रह चुके हैं, हमें भी बाथरूम के कमोड धोने पड़ते थे। हाँ जी ओके, हम शुरू करेंगे पहले सादिया से, सादिया के दिल की बातें जो अदनान भाई के दिल की बातें हैं। पिंक वाले में है ना? हाँ ओके। बाहर का गुस्सा जब अदनान भाई घर आके निकालें तो ऐसे में वाइफ के दिल में क्या ख्याल आता होगा? कहाँ से गुस्सा निकालें? बाहर का गुस्सा, रेस्टोरेंट में कोई सर फिरा, आपका क्लाइंट आ गया, कस्टमर आ गया और बार बार आपसे डिशेस बनवाई हैं और फलाना खुद ही कॉकरोच डाल दिया, कुछ भी कर दिया, गुस्सा आपको शदीद वाला है, तो घर क्या इनके ख्याल आता होगा? इनको देख के भी गुस्सा बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में क्या ख्याल आता है? सवाल ये है कि जब आप ऐसे मूड के साथ, आपको मुझे देख के गुस्सा ठंडा हो ही ना जाए, स्विंग सारे ऐसे हुए हुए हैं और आप घर आएंगे तो सादिया के दिल में क्या ख्याल आता होगा जब बाहर से आप गुस्सा लेकर आते हैं? नहीं कुछ तो हुआ, ये कहती है कुछ तो हुआ है ऐसा जिसकी वजह से ये बेचारे ऐसे हो रहे हैं। पूछ बेचारे, हाँ जानू, सादिया के ख्याल ये आता है? हाँ नहीं ख्याल आता है कि जानू कैसे हैं आप सब, ठीक है, कंफर्म जन्नती है, कंफर्म जन्नती। अच्छा मैं आपको आपकी बेगम के दिल की बात बताती हूँ, बाहर जाते ही क्यों है? बाहर जाते दिल जला वाला वो आता है, जाते ही क्यों है बाहर, घर में ही रहे, जितना कमा लिया उसी को खा लेंगे। ये पाकिस्तान में मेरे जो बहुत ख्याल आता है जब ये बाहर से वापस आते हैं ना, और मैं कहती हूँ जाते ही क्यों है, घर में ही रह कर क्या कहते हैं यार कितनी ट्रैफिक थी, ट्रैफिक पॉल्यूशन थी यार, पॉल्यूशन था, काम नहीं हुआ, रूल्स नहीं है, असूल नहीं है, उसका क्या कसूर है बेचारी, वो एक मासूम है पाकिस्तान। मतलब मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा ताना क्या मिलता है? लोग जन्नत की ख्वाहिश करते हैं, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, मैं कहता हूँ वहाँ सेट होने के, और आप वहाँ छोड़ के भी यहाँ आए हैं। दिल है पाकिस्तानी, नहीं दिल भी हमारा भी बहुत ओवरसीज पाकिस्तानियों का होता है, यहाँ मैं बात शेयर करूँगा, दिल यकीन करेंगे बहुत चाहता है। और जिस दौर में हम रहते थे 92 और 90s में बहुत अच्छा होता था पाकिस्तान, और मुल्क हमेशा देखें अच्छे होते हैं क्योंकि आवाम अच्छी, लोग मुल्क चलाते हैं। आज जर्मनी जो अच्छा है वो लोग चला रहे हैं। हम यहाँ हर चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व करी है इतने दिनों में कि हर चीज़ बस ये कि यार अल्लाह मालिक, भाई अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह ने शऊर दिया है, अल्लाह ने जानवरों में शऊर नहीं दिया है। आप सुबह उठे नहीं, आप कहें आप 2 बजे जाके शॉप खोलें, फिर आप कहें यार वो रिस्क बांट रहा है, भाई जब आप रिस्क बांट रहा है वो आप सो रहे हो, समझ जब वो रिस्क बांट रहा है आप सो रहे हो, तो ये चीज़ों से नहीं। यानी हम वहाँ पागल हैं जो 8 बजे उठ जाते हैं, 9 बजे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ऑफिस खुले हुए हैं। 12 में ये है कि 7 o'clock मेरी को स्कूल छोड़ती थी तो 7:30 अदनान अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। हाँ, ये तो ये सारी चीज़ें हैं, बस ये अफसोस होता है ना, अपना मुल्क है, प्यार है, हम अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने स्टाइल से, अपने बिजनेस से, गोरे हम ऐसे भी पाकिस्तानी रह रहे हैं। हम सुबह सुबह आते हैं, शफात भी जब हम भी आते रहे, ये बात है, हम पाकिस्तानी देखे ओके। अगला सवाल, काम की वजह से वाइफ को वक्त कम दे रहे हो तो ऐसे में वाइफ के दिल में क्या ख्याल आएगा? सादिया के दिल में क्या ख्याल है? सादिया बेचारा यही कहेंगी कि बहुत मेहनत करते हैं वाकई, ये हमेशा बाहर रहते हैं तो मैं अपना बेस्ट हूँ, मैं घर पे आऊँ तो ये हर चीज़ फोबराइट कहते हैं यानी कि प्रिपेयर करके रखते हैं। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। जिस यहाँ पे तरस खाती है ये बताएं, हर बात पे बेचारे ये कर रहे होंगे। मुझे ये राज बताएं, दिल की अच्छी है। देखिए आपने दिल बनाए हुए, आपने दिल बनाए, दिल की अच्छी है। शुक्र करें आपको ऐसे खुले पैसे नहीं पकड़ा देते। नहीं वो तो इनको यूरो, वो इस वजह से इनको यूरो ये भी करती नहीं मुझसे गिरा देते, तो ये आते ही ना मुझे पकड़ाते पैसे में कि रख ले तो जाते हो कहते ऐसा ऐसा तो नहीं होता कभी कि आप गाड़ी में बैठी और उन्होंने आगे पीछे गाड़ी के ऊपर बोतल से पानी मार के शीशे साफ कर ये ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये आपको पता है वहाँ तो जर्मनी में सब कुछ यही हो रहा होता है, हम सब फैमिली निकल के गाड़ी धो रही होती है, ले रही होती है, तो इसलिए ये सब चीजें हमारे लिए बड़ी काम से आदमी फिट रहता है। बहुत अच्छी बात है, काम तो सब कर रहे हैं। हमने कोरोना में बड़ा काम किया क्योंकि हमारी हेल्थ की छुट्टी हमने बहुत काम किया। यासिर ने सिर्फ वीडियो बनाई झाड़ू लगाने की, बाकी तुम कर लो। मैंने कहा बड़े तुम सो रहे हो वीडियो। हो गया अगला सवाल। हाँ अगर फर्ज करें आप कहीं और इन्वेस्टमेंट की और आपने इनको पैसे देना कम कर दिए, ठीक है ना, तो इनके दिल में क्या ख्याल आता होगा? नहीं ये सोचेंगे जो मेरा मियाँ कर रहा है मेरे लिए तो कर रहा है। नहीं भाई हर दफा मैं बैलेंस करके चलता हूं। नहीं वो सोचेंगे कोई और घर तो नहीं, नहीं नहीं ऐसा कहीं और तो नहीं दे रहे। मैं बोल भी देती हूँ कितनी दफा मेरा बोल रहा है और कितने घर हैं आपके, यही है ना, तो इसको तो पूरा कर दे और कितने घर है, कहते फिर गिनवाते मुझे मेरे 4 घर चल रहे हैं वहाँ। मैं कहा उससे आप कमा रहे हैं, घर सिर्फ यही है। अच्छा मैं परेशान, मैं खुद नहीं मेरे गेस्ट हाउस है वहाँ खर्चे होते, कभी बढ़ गए कभी चीजें हो गई। सादिया मैंने कोई खबर सुनाने वाली है, घर ही चल रही होते हैं, गेस्ट हाउस है तो आपको उसको मेंटेनेंस है, तो जब ये मुझे गिनवाते मैं कहती हूँ अच्छा अच्छा सही है लेकिन घर यही है ना प्रॉपर्टीज। ओके किसी दिन बहुत जरा सादिया तैयार शयार होके आइए स्पेशली खास तौर पे आपके लिए, और आप तैयार तारीफ ही ना करें फिर ये क्या सोचेंगे दिल में? नहीं तारीफ तो मैं देखें करता हूँ, अगर फर्ज करें नहीं करे भूल गए इंसान है भाई किसी दिन, तो सवाल तो यही है इंटरेस्ट ही नहीं, ये सोचेंगे दिल में। सोचेंगे मियाँ को इंटरेस्ट ही नहीं, यही सोचेंगे और क्या सोचेंगे। यही सोचा कि इतनी खूबसूरत बीवी इनको मिलनी नहीं चाहिए, कदर ही नहीं कर रहे। खूबसूरत तो हैं यार, शादी करी ये देख ले, ये सोचेंगे हर बात का एक जवाब मिलता है, देखो मैंने शादी इसलिए की तो तुम खूबसूरत। मैंने कहा बस वो करके तो भूल गए, उसके बाद भी कुछ याद कर दो। कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा अदनान भाई जी जी आपके जैसे ही मतलब वैसे तो आप जर्मनी में होते हैं, पाकिस्तान में होती हैं, तो अगर किसी दिन आप लोग ये जर्मनी आई हुई हैं या आप पाकिस्तान आए हुए हैं और आपके फ़ोन पे किसी दिन रॉन्ग कॉल्स बड़ी ज़्यादा आ रही हैं, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से, और आप थोड़ा सा घबरा के रख भी रहे हैं कि क्या कौन सा नंबर है, फिर ये दिल में क्या सोचेंगे? नहीं इसका देखें सबसे अच्छा एडवांटेज तो मुझे ये है कि इनको जर्मन नहीं आती इतनी, हाँ। तो समझ नहीं पा और बाकी ये इतना देखती नहीं है, अच्छा। देखती नहीं। और फिर यहाँ मैं एक बात एक और कहूँगा कि देखें ये रिश्ते होते हैं ट्रस्ट के, हाँ। ठीक है, शादी चाहे वो आप साथ रह रहे हो चाहे आप वो ये तो नसीहत है ना अदनान भी, वो दिल में सोचेंगे क्या ये बताएं? वो जो 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 शादी तुमने बोला है वो मैं नहीं बोल रहा हूं। अब ये मैटर नहीं करता नदा, अब ये मैटर नहीं करता। नहीं 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 रक्षा कहेंगे उसके बाद ये कंफर्म जन्नती है। नहीं बात इतनी जर्मन मुझे आती है कि अब आने लग गई है कि अब अदनान मुझसे इधर उधर होकर बात करते हैं। शादी तुम्हारे दिल में क्या आएगा? मेरे दिल में मेरे देवर वगैरह भी वहां छेड़ते हैं, यार इतने इतने दिन तुम चली जाती हो, तुम्हें घबराहट होती। मैं कहती हूँ नहीं बस मर्द नहीं होना चाहिए, बाकी सब है। तो ये अभी पिछले ही दिनों मेरी नंद ने मुझसे कहा अरे 3 बजे किसकी कॉल आई? मैंने तो बाजी देखी किसी लड़के की ना हो, बाकी सब खैरियत है, बस ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये बोलना बचा है कि मैं हंसी मजाक में ये सब कह के गुजर जाती हूँ, लेकिन वो बाकी मुझे चीजें भाई ठीक है। वैसे अगर मैं इतना सोचूं और खुदा ना खासा इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया, फिर तो एक औरत का जीना ही दूभर हो जाएगा। अच्छा शुक्र है हम बड़े बैलेंस शक करती हुई औरत ही अच्छी लगती है वैसे आपस की बात है। बिल्कुल मैं आपको बताऊँ मर्द शक नहीं करता, मर्द जो है ना वो बड़ा बदतमीज हो जाता है। वो शक करते, औरत तो शक करके ना ताना देके भूल जाएगी, मर्द शक करके भूलता ही नहीं। मेरे पास शोबिस के ऐसे ढेरों मिसाल है जो मैं नाम नहीं ले सकती, जो भूल के आज तक साथ है। मुझे तो कोई सुराख मिले इतना मजा आता है जिंदगी भर ताने देने में, बड़ा मजा आता है। इसको मैं बहुत अच्छी तरह जानती है, सिर्फ बातें नहीं। नहीं आप फिक्र ही ना करें, मैं ऐसे ताने देती हूँ गिच्ची बड़ोड़ने। क्या कहते हैं गिच्ची? हाँ गिच्ची, हाँ ये तो खैर सही कह रही है, यहीं पे शो मारती हूँ खाली। सही ओके, अब सवाल आपसे शुरू। अच्छा अच्छा, हर बात का जवाब जो है वो झड़क के दे अगर। हाँ ये मैं सवाल इनसे है, अगर आप सादिया अदनान भाई को हर बात का जवाब है ना झड़क के देना, थोड़ी सी बदतमीजी से जो कि आप नहीं करती नॉर्मली, लेकिन वो आप ऐसे करें तो अदनान भाई के दिल में क्या ख्याल आएगा? हर बात का जवाब जो है ना वो आप थोड़ी झटक के। हाँ हाय अल्लाह, क्या है इतनी देर से क्यों चिल्ला रहे हो? ये तो उसी वक्त मुझे डांट देंगे सबके सामने। इनको तो एहसास ही नहीं होता कोई बैठा हुआ है, इनको ये भी नहीं एहसास होता किसी का मूड खराब हो सकता है। दिल में सोचेंगे क्या? दिल में सोचेंगे नहीं, मुंह से बोल देंगे। ये धड़क करके मुंह से बोल देते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सोचें तो कहेंगे कि शायद कोई प्रॉब्लम है, मीटर घुमा है, मीटर घुमा। सही कहा उन्होंने, कोई खानदानी प्रॉब्लम है जो मुझे बता नहीं रही। नहीं उन्होंने ये मीटर घूमने वाले, मीटर प्रॉब्लम है। हाँ ओके। हाँ किसी दिन अचानक आपका फ़ोन ज़्यादा चेक कर रही हो ना, मतलब अदनान भाई का फ़ोन आप किसी दिन ज़्यादा चेक कर रही हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो इनके दिल में क्या ख्याल आएगा? क्या ख्याल आएगा? हाँ। मेरा ख्याल इनके दिल में आना चाहिए हाय काश चेक करे हैं कि मैं तो फ़ोन ही नहीं देखती। अदनान भाई ने भी यही कहा कि तो फ़ोन ही नहीं चेक करती। मैं फ़ोन ही नहीं। हाँ बोरिंग अदनान भाई, ये क्या मसला है? मैं तो पागल हो गई हूँ। फ़ोन बज रहा है, पता चल जाए। मैं फ़ोन बज रहा तो मैं उठा के, यार प्लीज़ उठा लिया करें खुदा के वास्ते, फ़ोन दिमाग खा जाता है आपका। तो ये होता है, इससे ज़्यादा मैं कभी ना नंबर देखती हूँ ना वो। सादिया मैं तो देखती हूँ वो मैसेज जो है ना एक लाइन आती है वो आती नहीं, मैं तो देख रही होती हूँ अच्छा इसके बाद क्या एल्फाबेट है यार ये क्या एक ना एक इनके एक कॉल आती थी कौन लिखा आता था कौन एक कौन। मैंने ऐसे ना जर्मनी में कहा ये जो कौन आपको बहुत ज़्यादा कॉलिंग करती है ना इससे कि कम से कम रात को तो छोड़ दिया करे, सोने तो दिया करे। तो इनकी आदत है उस पर स्पीकर पे बात करने की, तो उन्होंने बात करते करते स्पीकर पे ऑन कर दिया, पीछे से वो एक मर्द था। अपने आप पे इतनी शर्मिंदगी हुई कि आज पहली दफा मैंने ऐसा बोला। तो वो कंस्ट्रक्शन का था तो सुबह की चीजें डील हो रही थी, मैं अपने आप पे शर्मिंदा हो गई किस बात पे, क्या मुँह की खाली। अदनान भाई अगर यहाँ कोई और आदमी तो कहते मैं बड़ा चलाक हूँ पकड़ने नहीं देता। नहीं पकड़ाई में नहीं आते। ओके ज़्यादा पैसे खर्च अगर सादिया आप कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे खर्च कर रही हो जिस तरह आप वैसे करती हैं उसके मुकाबले में, तो फिर इनके दिल में क्या ख्याल आएगा? ये फजूल खर्च है, वो तो कहते ही हैं फजूल खर्च है। आपके हाथ में तो क्या खजाना भी दे दो तो आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी है। तो ये तो मुझे मानते हैं फजूल खर्च। मैं तो ये समझता हूँ कि नहीं जो कर रही होंगी जायज़, क्योंकि ये है ये जायज़। हाँ जायज़ करती, लेकिन ये पूछता ज़रूर हूँ मैं कि भाई ये कहाँ लगा रही हैं आप, और ये वो और देना मर्ज़ का काम है। ये तो है यहाँ उल्टा सिस्टम है। मैं करता हूँ कि ये बचत बहुत ज़्यादा है। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा सेविंग करती हूँ। ये आदत मर्द में होना आपको अच्छी नहीं लगती, औरत में आदत होती है ना सेविंग की। एक बंदा हाँ अगर बहुत ज़्यादा इनका बहुत खुला दिल है, बहुत हर चीज़ पे जल्दी जल्दी पैसा। यहाँ मैं बात एक और शेयर करूँगा, देखिए पैसा कमाना जो है वो बड़ी बात नहीं है, पैसा संभालना बड़ी बात होती है। बिजनेस भी कभी एक जैसा नहीं रहता, याद रखिएगा। जी हाँ कोरोना में देख लेना अभी क्या हुआ, और यूज करने से ज्यादा पैसे की हकीकत है ही नहीं, है ही नहीं। इससे जैसे होता है ना यहाँ कॉन्सेप्ट लोग, ये जैसे मैं भी आया हूँ यार अदनान भाई यहाँ भी इन्वेस्ट कर दें, यहाँ भी इन्वेस्ट कर दें। मैं ये क्या सोचता हूँ यार ये पहले मुल्क तो अच्छा करें, हमेशा अच्छा अच्छा, हम में रहते बहुत अच्छा। हाँ, जब आप देखिए आपने महल बना लिया। नहीं, अदनान कहते हैं अब से हमारे घर के बाहर की सड़क मुल्क हमारा घर है, जो रोड है हमने खुद कह दिया। हमें तो गड्ढों के बाहर हम मजा नहीं आता, नहीं रिलाई करे कि CBCI या हमारी हुकूमत, नहीं हमें नहीं कहना। तो ये जो इनका कहने का मकसद था ना कि भाई इन्वेस्टमेंट अपने महल खड़े करने से बेहतर है जहाँ रहते हैं। आप किसी को ला रहे हैं, आप एयरपोर्ट से किसी को अगर अपने महल तक लेके आते हैं तो आप आंखों पे पट्टी नहीं। ये शफात का शो नहीं है, न्यूज़ का। मुझे लग रहा है शफात का शो है। नहीं मैं बात नहीं, बात ही देखिए आप पाकिस्तान के हालात की बात कर रहे हैं। अल्लाह ये तो वसीम मदानी का शो नहीं है, न्यूज़ का। बस ये चीजें हैं। खैर आज वापस आए कुछ रहे। ओके, आपके हाथ का बना हुआ खाना सही है। अगर कभी ऐसा है अच्छा ना लगे, इंसान है बदजायका लगे, हाँ। तो ये दिल में क्या सोचेंगे, ये दिल में क्या सोचेंगे? हाँ, मुरब्बत में मुंह से कुछ नहीं कह रहे, मुरब्बत ही तो नहीं है खैर, लेकिन वो दिल में क्या सीख जाएगी, हमेशा कहते सीख जाएगी। यही हस्बैंड को खाना पकाना नहीं आना चाहिए, मैंने कहा था ना, सीख जाओगी। हालांकि मेरी इतनी फरमाइशें होती नहीं, मैं कहता हूं जो भी दे दें, मैं ये नहीं कहता हूं कि जी मुझे ये चाहिए। कभी ऐसा होता है टमाटर सही भुनाई नहीं हुई, मसाला कच्चा रह गया, बोलते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था, मैंने नहीं, कुक ने बनाया था, वो इन्होंने नहीं, जो फिर मैंने कहा था उसको अच्छा बनाती है, मैंने उससे कहा कि भाई इसको अच्छी तरह भुना करें ताकि, और फिर मैंने भी अक्लमंदी की सारी बोटियां निकाली, खाना अलग किया, भुना सालन को फ्रिज में, कहा अब चेक करते हैं, हाँ अब सही है। अच्छा उसमें आया क्या, मैं डाइट पर हूँ, खाना आप पहले खाया कर उसके बाद मुझे बताया करें। आप मुझे बहुत ज्यादा वो ले लेती हैं। अब आप आइंदा में खाना आप खा के मुझे कहेंगे कि आइए अदनान खाने पे आजिए, मैं कहा मैंने कहा चेक कर लिया करें फिर उसके बाद लिया। तो ये सब चीजें होती हैं। मैंने भी चेक कर लिया, एक ब्रेक का टाइम है। यहाँ के दिल की बातें तो मुझे समझ आ गई, वो हमारी आपकी जैसी थी। यहाँ के दिल की बातें जो है थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी मुख्तलिफ है। अगर ये सिचुएशन मेरे साथ हो ना, भूख लगी हुई है और खाना जो है उसका जायका ठीक नहीं है, हाँ। बिन नोट, हाँ। बहुत गुस्सा आता है, बुरा खाना, बुरा खाना, बहुत जल्दी ठंडा मिल जाए तो ये वाला हाल है। नहीं ये तो खाना खाएंगे ही नहीं, फिर उसके बाद बिल्कुल छोड़ देंगे। ये भी यही करते हैं, मतलब ये इनका एग्रेसिव पनस से मुझे उस वक्त दिखाई देता है कि उठ जाएंगे या एकदम से इतने हार्श हो जाते हैं कि वो मैं बोल नहीं सकती। तो वो नहीं बोल सकती, कोई गंदी बात है? नहीं, गंदी बात से मुराद है कि वो एकदम बोला, आपको पूरा हक है कि यार इतने देर से थक कर आया हूँ, पूरे दिन काम करता हूँ, एक खाना गर्म करके नहीं दे सकती हो। मतलब वो इतना वो हो जाता है कि आदमी ना अपने आप को अंदर की, यार किया तो बिल्कुल सही गर्म था, अच्छा आने में खुद देर लगाएंगे। आपने तो इतना ऐसा नक्शा कहते हैं जैसे अमरीश पुरी की तरह सितार बजा रहे हैं, मिस्टर इंडिया वाला, हाथों से खून निकल रहा है। ऑलमोस्ट वही होता है, बस आप लोग समझ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाथ में गुड मॉर्निंग। वेलकम, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज दो कपल्स हमारे पास मौजूद है यहाँ। ये एक ऐसा कपल है जो मतलब आम कपल होते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये साधारण कपल है आम, और ये लॉन्ग डिस्टेंस कपल है। ये भी कुछ कपल्स इस तरह के होते हैं कि मियाँ जो है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आधे से ज़्यादा मर्द जो हैं वो अपने शहर से बाहर होते हैं, है ना। ये एक कल्चरल वो भी बना हुआ है, बहुत सारा अक्सर ऐसे बिल्कुल ऐसी बात है, रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं या दूसरे शहर, दूसरे शहरों में। हाँ, तो आप दोनों को दुल्हा भाई आ जाइए। ओह माय गॉड, दुल्हा भाई, ओह माय गॉड गॉड। वो ये जो ये एक छोटा सा केबिन बना है, आप समझे कि जर्मनी में ये टेलीफोन बहुत है, और आप क्या समझेंगे, मैं पाकिस्तान का तो कुछ नहीं कह सकती कि ये क्या है। नेट कैफे का क्लब लग रहा है, हमें नहीं अंदर से अच्छी अंदर ही लग बहुत ही। ये लीजिए अंदर जाइए जी। अच्छा अब होगा ये कि कुछ सवालात होंगे आप दोनों से, ठीक है, और उसके बाद ज़रा बंद कर दूं मैं। उसके बाद अगर वो सवाल जवाब मियाँ बीवी के आपस में मिलते नहीं होंगे, ठीक है, तो जो है हमारा छोटू आएगा और उसके पास बोरियां हैं बॉल्स की, और वो बॉल्स बरसाएगा अगर गलत जवाब हो। अगर सही जवाब हुआ तो वो फिर वो बॉल्स आपके केबिन में नहीं फेंकेगा, लेकिन जब वो बॉल्स फेंक रहा होगा तो आप लोगों के हेयर स्टाइल्स ख़राब ना हो उसका हमने पूरा ध्यान रखा है। वो छतरी उठाकर अपने सरों को बचाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहती जो पुगे आपने बनाए वो खराब। एम्स्टर्डम में एक बाजार भी है ऐसा। पता नहीं, मैं गई नहीं अभी तक। आपको पता है अदनान भाई? ओके, पहला सवाल, मेरी बीवी को मेरी किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? दोनों से सवाल है हाँ। और हमने आपकी बेगमात से पहले पूछ ली है। या अल्लाह, किस बात भाई? मेरे तो दो मसले हाँ। एक वो अलमारी वाला मसला है, वो तो पता ही होगा ना। के? अलमारी बंद नहीं होती हाँ। मैं अलमारी में कपड़े निकाल के अलमारी खुली छोड़ जाती। अच्छा, एक ये मसला है और दूसरा मसला और वो ये एक वो जो होता है ख्याल नहीं रखते, कोई कदर नहीं हाँ। करते, ये वाली बात है। अच्छा, मैं जवाब बताती हूँ अभी, आपको रुक जाए। अदनान भाई आप बताएं। अच्छा, मेरा आपकी बीवी को आप पे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? वो इस बात पे आता है कि मैं बाथरूम का दरवाजा खोल दूँ। अगर आप बाथरूम का दरवाजा हाँ खुला रखूं और चला जाऊं तो बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, एक और दूसरा ये जो खाना वाना गर्म करके जब टेबल सजा देती है, मैं आऊं नहीं उस वक्त ना, वो कहती कहाँ हो, क्यों नहीं आए अभी तक, बस इसलिए, बाकी नहीं। अदनान भाई की बात को सही कर दूं क्यों? अच्छा ओके भाई, आपकी बेगमात ने जो जवाब दिए थे उसमें जो बॉल्स है माशाल्लाह उनका सहरा जाएगा। शफात के केबिन में आ जाओ छोटू। और ये साथ रहते हैं, ये साथ रहते हैं। आवाज़ ही नहीं आती, इतनी हल्के बोलते हैं वो। अच्छा। हाँ, क्या बोला अदनान भाई ने? बोला कि एक तो आपको गुस्सा आता है जब बाथरूम का दरवाजा खुला रह जाए, लगता है मुझे, और दूसरा जब आप खाना पकाएं और ये खाएं ना। शफात तो रेडी है, खाना लगा तो आते ही नहीं है यार। तो जी शफात, अपना हेयर स्टाइल बचाएं, एक बोरी हाँ, थोड़ी, क्योंकि आपकी बेगम ने ये कहा था कि जब ये चीजें अपनी जगह पे नहीं रखते ना, मुझे शदीद वाला गुस्सा। थैंक यू छोटू, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट सवाल, मेरी बीवी मेरी कौन सी आदत बदलना चाहती है? अच्छा जी, इसमें से बाहर कैसे निकल? यार तू बॉल डाल दे, छोड़ दे। मेरी बीवी मेरी कौन सी आदत बदलना चाहती है? अदनान भाई आप पहले आप। मेरी आदत कौन सी बदलना चाहती हैं, ये जहन में नहीं आ रहा। जहन में नहीं आ रहा हाँ, बिल्कुल। हार मानी को तुक्का मार दे। अच्छा, क्या तुक्का पता? मैं ये मार दूं शायद ये कि मैं तौलिया जो गीली होती है ना उसको हर जगह ना फेंकूं। अच्छा ओके, गीला तौलिया ना फेंकूं। गीला तौलिया हाँ। और हमारा भाई वो केयरिंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, केयरिंग हो जाऊँ ज्यादा, केयरिंग हो जाऊँ, केयरिंग। अदनान थोड़ा क्या बोले भाई, आवाज तो हम तक नहीं आ रही है, दो आ रही है। अच्छा, मैं जहाँ बंद हूँ वहाँ से कैसे आएगी? आप लोगों ने हर जगह पे शीशे लगाए, अदनान की नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मेरी बीवी मेरी कौन सी आदत बदलना चाहती है? शफात का जवाब दुरुस्त है। बीवी चाहती है थोड़ा केयरिंग हो जाए, केयरलेसनेस खत्म हो जाए। अदनान भाई, मैंने क्या जवाब दिया था वो तो बता दे, आप बताइए ना। नहीं नहीं, आपके पास अच्छा लिखा हुआ, मेरे पास उतनी सारी चीजें, मैं सोचती हूं क्या क्या ना बदलूं। आपने बोला था कि जब मुझे पका देते हैं, पिस्ट ऑफ कर देते हैं मुझे, तो मुझे जो है फिर ये मैं डाल दे। हाय हाय, पत्थर नहीं है, बॉल है अदनान भाई, टेंशन नहीं ले। ओके जी, अभी हिसाब बराबर नहीं, तपाते इस चीज पर हाँ। है, बहुत ज्यादा तपाते हैं, मतलब कोई चीज खाना लगा हुआ है, फोन पे लगे, वही तो बताएं, सब गुस्सा चढ़ता है इन चीजों पे। अगला सवाल, ओके हस्बैंड्स, घर का कौन सा काम आपकी बेगमात खुश दिली से नहीं करती? मतलब उनको जहर लगता है मगर उनको फिर भी करना पड़ता है, खुश दिली से नहीं करती। आप ये क्या लखनऊ से आए? पहले आप, पहले आप। मैं समझता हूँ जब ये ऐसा नहीं है कि ये खाना इनको बनाना यानी नहीं आता हाँ। बस ये चूल्हे के सामने जाने से ना थोड़ा सा वो होती है कि यार। सही जवाब, बच गया। जी बताइए शफात। क्योंकि ये खाना मेरी बेगम बहुत अच्छा बनाती है, बड़े शौक से बनाती है, इनका वॉशिंग मशीन से कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं है और इस्त्री से भी। सही जवाब, बिल्कुल दोनों का सही जवाब। ये आप बोरी यासिर के लिए संभाल के रख लें। ओके जी, नेक्स्ट सवाल, मेरी बीवी को अगर अल्लाह दीन का चिराग मिल जाए तो वो अपनी सबसे पहले कौन सी ख्वाहिश को पूरा करेगी? कराची से शिफ्ट हो जाएगी। शफात कह रहे हैं बिल्कुल अलग, कराची से शिफ्ट हो जाए। शफात कह रहे हैं मेरी बेगम को अगर अलादीन का चिराग मिल जाए तो उसकी पहली ख्वाहिश होगी। अदनान भाई आपकी क्या, आपकी बेगम की ख्वाहिश क्या होगी? देखिए ये डिपेंड करता है कि ये अलादीन का चिराग मिलता कहाँ है सबसे पहले। अगर इनको ये चिराग जर्मनी में मिलता ये कहती सबसे पहले पाकिस्तान उड़ के भाग जाऊंगा। ओके सही जवाब, सही जवाब। शफात का जवाब गलत है। ऐसी कोई खुशखबरी मिले कि मैं सबको, ऐसी पावर मिल जाए कि मैं सबको खुश कर सकूं। चले मैं उनको, तो बेचारी को पावर चाहिए, वो तो आपका ही सोच रही है। अच्छा मैं मेरा ये था जवाब कि पाकिस्तान, और मुझे अगर ये पावर मिले तो मैं अदनान का रोक लूं। हाँ हाँ छोटू ओके। अच्छा वो कौन सी जगह है जहाँ आपकी बेगमात हर वक्त जाने को तैयार रहती है? खुशी खुशी मुल्क से बाहर। आपका जवाब है मुल्क से बाहर। और आपका क्या जवाब है? वो कौन सी जगह है जहाँ पे आपकी बीवी जाने को हर वक्त तैयार रहती है? आई थिंक या आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ब्यूटी पार्लर। कहाँ पे? क्या 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 कर? अदनान भाई कह रहे मेरी बीवी हर वक्त ब्यूटी पार्लर जाने को तैयार रहती है। मगर अदनान भाई का जवाब गलत है। शफात का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शफात ने कहा था मेरी बीवी ट्रैवलिंग यानी मुल्क से बाहर जाने को हर वक्त तैयार रहती है। तो सबकी बीवियाँ रहती है तैयार। कहा था मैं अपने ससुराल जाने के लिए। हाँ हाँ वो भी सच है क्योंकि ब्यूटी पार्लर ये सब चीजें मिस करती थी। ये जब आते तो मुझे इसलिए मुझे इनके साथ जाना अच्छा लगा। हाँ अच्छा भाई दुल्हा भाई रेडी हैं आप लोग? जी जी जी। ये लास्ट फटा किस बात पे हुआ है? बहस बहस वगैरह छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट कल, मतलब लाइक अभी कुछ ये कल अभी पिछले अभी कुछ कुछ जो आखिरी हुई है आखिरी किस बात पे हुआ है फड्डा बहस? किस बात पे? इनको शक हो गया कि मुझे कोविड है। तो मैंने कहा कि भाई नहीं है, टेस्ट करवा चुका हूँ, कुछ भी नहीं। ये एलर्जी। मैंने कहा हॉस्पिटल चले, मैंने कहा यार मैं नहीं यार। इस बात पे हुई बहस? इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब है, बच गए आप, बच गए। शुक्र। अदनान भाई आपका क्या लास्ट किस बात पे बहस हुई है? हमारी जो आई थिंक लास्ट बहस जो कि आप यहाँ आए, आप बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है। लास्ट मोमेंट जो पिछली एक मतलब लाइक जो आखिरी पड्डा है, आखिरी आर्ग्यूमेंट है, मतलब छोटा पड्डा ऐसा नहीं। नहीं कोई इतना खास नहीं है। तो छोटी मोटी बात भी नहीं हुई? नहीं इतनी कोई भी एक ताना एक कोई झड़प कुछ भी नहीं हुई। नहीं नहीं मुझे मेरे ख्याल दो तीन बोरियां डाल तुम्हारा घर जाना है। तुम तीन साड़ियां डालिए, दो तीन बोरियां डालो। छोटू पड्डा तक नहीं याद है, मैंने कहा दो बोरियां खाना ले गया था, आ नहीं रहे थे। हां ये भी ये हां ये मेरा खाना लग गया था, अब आ नहीं रहे थे। आ नहीं रहे यार, ये कल ही तो हुआ है। मैं यही जवाब दे चुका हूं, दो बोरियां डालो, दो बोरियां डालो, जवाब दे चुका हूं। भाई खाना बार-बार गर्म गर्म खुश्क हो जाता है। और ये बता भी चुके हैं अभी, मैंने बताया मेरा सबसे बड़ा फटा क्योंकि मैं गर्म खाना मैं खुद बनाती हूं और फिर उनको ठंडा खाना पसंद भी नहीं है। और पहले अदनान भाई मुझे लग रहा था जीत जाएंगे, ये आपने प्रूफ कर दिया साथ रहना ज्यादा फायदेमंद है। ओके उसे कोई नहीं जीत सकता। वो एक ताना जो मेरी बीवी अक्सर मुझे देती है, पेट ताना। मसला एक ही है केयरिंग नहीं, केयरलेसनेस। ओके वो पहले भी आए थे तो वही मसला पास है। आपकी बीवी कुछ एक ही चीज पे ही रहती है। हाँ ऐसे ही आप पास हो गए जी। सेम है के सेम प्रॉब्लम सेम बाथरूम के भी। हाँ बिल्कुल ये ज्यादा एक ताना देती है आपके लिए, तो बस जो भी कर दो आपको हमेशा बस ये रहता है बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप खुल के तारीफ नहीं करते। अच्छा बस ये मेरा बहुत सुनने को मिलता है। नहीं नहीं वो कह रहे हैं आप मीरब को स्पॉइल कर रहे हैं। अब मीरब को बिगाड़ है, एक ही बेटी है। मैं ये थोड़ी पूछ रही हूँ कि आप क्यों बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ के चले जाते हैं। मेरा सिर्फ ये एक होता है कि यार आप खराब करके से चले जाते हैं, बाद में भुगतती मैं हूँ। फिर वही होता है कि बाबा को कॉल करती हूँ, मम्मा बाबा होते तो ज्यादा मजा आता, बाबा होते ना तो वो फिर ये वो मिसिंग उसका ज्यादा शुरू हो जाती है। आ जाए छोटू, डालो डालो डालो, 2 4 6 डालो। आप एंजॉय करें सर, बहुत माशाल्लाह मजा आ रहा है आपको, बहुत मजा आ रहा है जी। आया तो आप क्या बता रहे थे, एम्स्टर्डम में भी ये हो? छोटू तुम एम्स्टर्डम भी जाते हो? हाँ जी। ओके जी, हाँ। अच्छा आप लोगों को कुछ याद है लास्ट फरमाइश जो आपने अपनी बेगमात की पूरी की हो? कोई याद है आपको आखिरी फरमाइश, आखिरी ख्वाहिश क्या थी अभी तक उनकी जो पूरी की? अल्लाह ना करे आखिरी ख्वाहिशों क्या मतलब, अल्लाह ना करे। अभी तक बोला है मैंने, अभी तक बोला है, अभी तक की लास्ट। पूरा सुने होस्ट? अच्छा पुरानी होस्ट हो गई हूँ मैं भाई, मेरी वाइफ। फार्मूला वाला जो शो था वो 5 साल पुराना था। बताएं, घुमाने लेके गया हूँगा शायद। घुमाने लेके कहाँ गए थे? कराची में बीच गए होंगे। हाँ। बीच गए थे शायद। सही जवाब है। वैसे आप दुबई वाली जो ख्वाहिश है उस पे यस हाँ। मुल्क से बाहर जाना था। यस ओके सही जवाब। अदनान भाई आपने क्या ख्वाहिश लास्ट तभी बोली? इनसे नहीं, इनसे नहीं, इनकी क्या ख्वाहिश? नेक्स्ट ख्वाहिश ये है कि गाड़ी नहीं, मैं ये नहीं कह जी। आपने अभी नेक्स्ट ख्वाहिश इनकी पूरी क्या की है? आखिरी ख्वाहिश अभी क्या पूरी? सारी ख्वाहिशें पूरी कर। अभी बोल रहे थे आप क्या बोले बताए? आखिरी ख्वाहिश पूरी गाड़ी चीज गाड़ी कह रही थी। गाड़ी बुक कराई है। सही जवाब छोटू, वही रहो। वही पे रहो, यहाँ नहीं आ रहा है। शुक्र है। अच्छा वो कौन सी एक बात है जिसमें बीवियां जो हैं वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती? आपको क्या लगता है बीवियां गुस्सा कंट्रोल, कौन सी एक बात है जिसमें आपकी बीवियां गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं कर सकती, मतलब उस पर जो है वाइडी हो जाती है? वाइडी सिंधी का वर्ड है, तो मेरा शोर मचाती है, मतलब शदीद वाली है। अदनान भाई आपसे आगाज कर, कौन सी बात है? मुझे टाइम लग रहा है इनको। अच्छा मुझे टाइम लग रहा है, सोचिए कौन सी बात है, क्या कौन सी बात है जिसपे सादिया जो है ना वो बेकाबू हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत शोर मचाती है उस बात पर, उस एक बात पर बहुत शोर मचाती है? याद नहीं आ रहा। आपकी तो एक ही बात है। आप चेंज करते हैं। किस चीज़ पे मैं सबसे ज्यादा घर में चिढ़ती हूँ या बहुत ज्यादा मैं बोलती हूँ, जिसमें आप कहते हैं जब थोड़ी ठंडी हो जाओ, हो गया, हो जाएगा, आप याद करें। सफाई वगैरह पे। शुक्रिया अदनान भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतना बताने के बाद आपने बताया हर चीज क्लीन होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ उसमें ज्यादा वो करती हूँ। मेरा शायद मेरा भी यही मसला होगा। सेम मैसी थोड़ा बहुत रहता हूँ। हाँ मैसी रहते हैं उसकी वजह से। आप तुम वहीं पे रहो। दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों का जवाब दुरुस्त है। लेकिन ये सियासी बयान था अदनान भाई से, मैंने कॉपी पेस्ट किया। नहीं अब जरूरत नहीं है बॉल्स की। और मुझे तो सब टेंशन ये है छोटू, मैं इनको बाहर कैसे निकाल नहीं बाहर इनको। आप लोग यहीं पर रहे, हम ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक पे जाने का टाइम हो रहा है। ओके है तो मैं वहाँ पे शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। थैंक यू यार, ये तुम्हारे जाने का टाइम हो रहा है। जीत गए, साफ दिख रहा है आपको कि शफात जीत गए। जी हाँ। और आराम से उतरेगा बॉल्स जो है ना वो, देखिए ख्याल से उतरेगा भाई थोड़ी। हाँ जरा एक्सरसाइज वगैरह करके, क्योंकि हील्स के नीचे आ गए तो मैं तो गिरी जाऊंगी। हाँ आ जाए भाई, आ जाए फाइनली। अच्छा एक गुड, इससे पहले कि हम इजाज़त लें आप लोगों से, लेकिन उससे पहले एक सवाल करना बहुत ज़रूरी है। और एक जैसे मैंने प्रोग्राम शुरू किया था कि कपल ने एक दूसरे के साथ ख्वाब देखा होता है। क्या देखा होता है? ख्वाब देखा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ, हम जिस जगह पे जिस इलाके में रहते हैं वहाँ जब हमारी मंगनी हुई थी तो मेरे मियाँ ने ये कहा था कि इस इलाके में हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। बड़ा बहुत ही दूर का सोचता है। अभी मंगनी हुई थी, अभी इस इलाके में हम घर लेंगे और यहाँ हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, ये हमारा ख्वाब था एज कपल। तो मैं आप लोगों से एज कपल पूछना चाहती हूँ, आपका ख्वाब क्या है? ये तो जितनी देर सोचेंगे शफात से आप बताएं पहले। शफात पहले आप बताएं। इतना सोचते क्यों हैं? बहुत सोचते। मैं इतने लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाता। अच्छा। मेरे ख्याल से खुशी ज़्यादा तब अच्छी मेंटेन हो सकती है जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स रखें। हाँ। और दो दो तीन तीन हफ्ते के कुछ गोल्स रखें और उनको अचीव करते जाएं। अच्छा, तो अभी लेटेस्ट ख्वाब क्या है दोनों का? वेल, अभी फ़िलहाल कोई ख्वाब ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आ रहा जो बनाया हो। भाई अपने करियर के अलावा जो एक दोनों का वो कहते हैं ना जॉइंट ख्वाब हो, कुछ तो सोचा होगा। क्या सोचा? कोई क्लिनिक का सोचा होगा। सेटलमेंट ही है, यही होता है कि घर बनाएंगे, घर बना लें, सेटल हो जाएं। घर डेफिनेटली एक बड़ी ख्वाहिश है, एक बड़ी ख्वाहिश है कि, लेकिन मेरा ख्याल में अभी थोड़ा दिल्ली दूर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग अभी यहाँ बड़े देखे ख्वाब, जब तक देखेंगे नहीं पूरे नहीं होंगे। ख्वाब देखिए, हम जब सोते हुए हैं तो प्लानिंग करके यार सुबह उधर जाना है इधर जाना है, तो इसी तरह ख्वाब होते हैं। विल हो तो हर चीज़ हो जाती है। एग्जैक्टली। तो आप बताएं, आप क्या तय किया, आपने क्या ख्वाब अब क्या तय किया? अब तय यही किया कि इंशाल्लाह घर बनाना है। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी दुआएं और जल्दी से हाउस वार्मिंग पार्टी में अलग झपकते ही गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। और ये भी तो होता है ना कि बहुत शौक होता है किसी कपल को कि हमारे 6 बच्चे होंगे। वो वाला कोई ख्वाब तो नहीं? नहीं, वो कहते सिर्फ ड्यूटी है, बहुत महंगाई है। नहीं, बस ख्वाब ये था कि इनका ये ख्वाब था कि यहाँ पे एक घर होना चाहिए जो मैंने वहाँ इनका पूरा कर दिया है। और दूसरा ये अब इनका ख्वाब ये है कि मैं इनके साथ प्रॉपर यहाँ रहूँ। उस पर मैं फिर थोड़ा ये कहता हूँ नहीं इंशाल्लाह मुल्क फिर भी अच्छा है, जरा लोग चीज़ें हो जाए। आप वहाँ रह रहे होते हैं, आप ग्रीन की आदत में 26 साल से वहाँ पर हूँ, सही है। अब फिर प्यार हो जाता है मुल्क से आपको ना। एग्जैक्टली। और हमें भी अपने मुल्क से यहाँ प्यार है। मैं तो कहूँ कि आज मैं आ जाऊँ यहाँ सब अपना बिजनेस कर, मुल्क अच्छा हो जाए। यहाँ मुल्क से मुराद ये कि लोग अच्छे हो जाएं, सही है, क्योंकि लोग ही चलाते हैं मुल्क। किसका दिल नहीं चाहता है अपने मुल्क में आके रहे? जी हाँ, पूरा हो गया। मेरा बड़ी हो रही कि अब ये साथ हो, बेटी को साथ रहेंगे तो वो अब कम से कम इन्होंने इस पे आगे कि अच्छा ठीक है मैं 4 महीने वहाँ पाई। मैं कहा हमारा माशाल्लाह बिजनेस ना सेटल हो चुका है कि अब आप वहाँ जाए वापस। तो वो देखिए कि बस ये भी जो बच्ची के साथ रहने के जो लम्हात होते हैं, जब चले जाते हैं फिर दोबारा पलटेगा, वो दोबारा छोटी नहीं होगी और वो रुखसत हो जाएगी, फिर आप मिस करेंगे। हमने आपकी बेटी के साथ वो लम्हात गुजारे हैं। हमारे शो पे आई हो, थैंक यू सो मच आप दोनों का। अल्लाह ताला आप लोगों की भी ख्वाहिशात पूरी करे और आप लोगों को इकट्ठा रखे, खुशबाश रखे। ये सबसे बड़ी नेमत है आजकल के दौर में कि आप एक साथ हैं, क्योंकि पेशेंस खत्म हो चुका है कपल्स में स्पेशली। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला किसी की भी नज़र ना लगने दे इन कपल्स को। और आप लोगों की दुआएं तो इन्हें मिल रही हैं, मैं भी दे रही हूँ। बड़ी बुजुर्ग जीते रहो बच्चों, 9 साल से 90 साल हो इंशाल्लाह। तो जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्रेशियस टाइम निकालने का, बहुत शुक्रिया। और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम वो ब्रांड लेकर आए हैं जो जैसे कपल का आप शो देख रहे हैं, दोनों के लिए, मियाँ बीवी दोनों के लिए है, क्योंकि इसे लेकर आए हैं साहिल लोधी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सही कहा ना, अमोर दोनों के लिए, दोनों के लिए है ना, अमोर एक्चुअली दोनों के लिए ना। सबसे बड़ी बात है कि अब ये एक रिचुअल सा बन गया कि आप ही के शो पे सब कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है। हाँ। सभी कुछ नया। आज हम 2 नई प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा। और उनमें से जो पहली प्रोडक्ट है वो ये है, इसे सिल्वर ग्लो कहते हैं। द बॉटल इज रियली ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो। और ये इंस्टेंट ब्राइटनेस है, इंस्टेंट है। अच्छा, ये पहले वाली थी उससे भी ज्यादा जल्दी। जी जी जी, बिल्कुल इंस्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये, a lot of people think कि जी हमने मर्दों के लिए कुछ नहीं बनाया कभी। हाँ। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो सारा दिन धूप के अंदर काम करते हैं। ये आपके कलर को, कम्प्लेक्शन को एकदम से ब्राइट कर देता है। अगर आप मुझे इजाजत दें, थोड़ा सा मेरे हाथों पैरों को बहुत जरूरत है। ना ना, दैट्स इट। मालदीव में सबका बुरा हाल हो गया। अच्छा, यू वेंट टू मालदीव्स? हां ना, गई थी। वो कैसा था? अच्छा तो था, लेकिन वापस आई तो जब भी तस्वीरें लगाती कहते पैर तो आपके पैर काले हैं पैर। मैंने कहा क्या करूं, कटवा दूं? अब वो हो गया ट्रैवलिंग में, तो अब आपकी क्रीम आ गई है, बस आप इसको लगा सकती हो हर जगह। ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक, हाथों पाँव पे, बॉडी पे, हर जगह लगा सकते हैं आप। इसका रिजल्ट देखिए, अभी देखिए, ये तो अभी सफेद। यस, अभी देखिए। अच्छा, इसमें कोई मरकरी शर्करी बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारा एवोकाडो है, उसके छिलके हैं। आप देखिए आपके हाथों में डिफरेंस आया। इधर अगर दिखा दें निदा के हाथ। अरे अल्लाह, नहीं मैं तो अपने हाथ छुपा रही हूँ। अच्छा, ओके। आप छुपा रही होती हो कि क्या I don't know, I'm sorry. मुझे मालूम नहीं है, but all I'm trying to say is कि इससे आपको डिफरेंस पता चलता है. हाँ. It's instant, ऐसे इमीडिएट है. हाँ. और आपको आप जब लगाते हैं, सबसे बड़ी बात ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और आपको कभी हार्श कोई फीलिंग नहीं हो रही होगी इस वक्त. बहुत मुलायम सा है और मैट हो गया. यस यस, चिपड़ 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 होता है, वो नहीं होता. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो अगर आप अपने चेहरे को यंग रखना चाहते हैं, चेहरे को ब्राइटन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारा ये सिल्वर ग्लो जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, क्या करें, जैसे सनब्लॉक वगैरह लगाने से पहले लगाएं? एब्सोल्युटली नहीं, सनब्लॉक तो आपने लगाना ही लगाना है. सनब्लॉक तो आप, मैं इसको आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, ये सनब्लॉक के साथ आप लगाएंगे. सनब्लॉक आपने लगा लिया, सनब्लॉक के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद हमारी डिफरेंट क्रीम्स हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करना चाहें तो ये आपकी नाइट क्रीम के तौर पे यूज़ हो सकती है. नाइट क्रीम के तौर पे यूज़ हो सकती है. प्लैटिनम गोल्ड, आप इसको इस तरह से लगा लें और साथ साथ ये सिल्वर ग्लो, ये आपकी पूरी जो स्किन केयर की रिजीम है, पूरी की पूरी रिजीम है. ये सिल्वर ग्लो का सिरम है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, लिफ्टिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है और सबसे बड़ी बात ये, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. आई मीन You like it? Yes. अच्छा, मेरे जितने भी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये PCSIR सर्टिफाइड है. दूसरी बात ये कि सब के सब इसमें वनीला हमने बहुत सारा शामिल किया है. अच्छा. तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है वनीला. अच्छी फ्रेगरेंस भी अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा. तो आप ये सारा स्किन केयर का रिजीम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सनब्लॉक तो आपने लगाना ही लगाना है. हमारे सनब्लॉक की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 100 SPF होता है ना, और जब आप इसको लगाते हैं तो कोई वाइट रेजिड्यू नहीं आता, वाटर बेस है, अल्ट्रा प्रोटेक्शन देता है आपको सूरज की हिद्दत से. आप अगर आप लाइट्स के अंदर हैं या चूल्हे के पास जा रहे हैं या जा रही हैं, तो आपको उससे प्रोटेक्शन देता है और सारा लिफ्टिंग का भी काम करता है. बिकॉज हर चीज़ के अंदर हमने फर्मिंग कहीं ना कहीं ज़रूर रखी है. जी बिल्कुल डाली है. तो आप कहने से ये सिल्वर ग्लो हमारे क्रीम है और ये सिल्वर ग्लो सिरम है. अच्छा. आप दोनों यूज़ कर सकते हैं. ये आपको इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है, इंस्टेंट फेयरनेस, ब्राइटनेस आपको इंस्टेंट देता है और साथ साथ आप ग्लो सिरम यूज़ करें. ये आपका पूरा स्किन केयर रिजीम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी स्किन जो है वो ग्लो कर सकती है. इसको मेंटेन करने के लिए सनब्लॉक भी इस्तेमाल करेंगे बाहर जाएं तो. अच्छा, सनब्लॉक में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि सनब्लॉक तो आप वैसे ही इस्तेमाल करें. अच्छा. आप सूरज में एक्सपोज होते हैं, आप चूल्हे के पास जाते हैं, आप लाइट्स के अंदर होते हैं, सनब्लॉक आपके लिए बहुत एसेंशियल है. हमारे सनब्लॉक की जो सबसे खास बात है वो ये है कि न सिर्फ ये आपको सन की प्रोटेक्शन दे रहा है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर रहा है, बल्कि सबसे खास बात यह कि आपकी स्किन को लिफ्ट भी करता है और हाइड्रेट भी करता है. तो आप इसको कर सकते हैं. तो ये आपका पूरा स्किन केयर का रूटीन है जो आप इस्तेमाल करें. अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, इसको भी हमने इम्प्रूव किया है. अक्सर लोगों ने कहा आप हमेशा आते हैं और इजिप्शियन सीरम की बात करते हैं कि आपने इसमें कुछ इम्प्रूव किया है. हाँ. हमने इसमें आर्गन की मिकदार और बढ़ा दी है. अच्छा. तो अच्छा, अब ये आप अपने जब चेहरे पे लगाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपकी स्किन पे जो फाइन रिंकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं. आपकी स्किन जो है वो वेलवेटी हो जाएगी. फॉर्मूला वही है जो पहले का था. इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड है और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमसे रसीदें भी ले सकते हैं इसकी. या इट्स एक्चुअली गोल्ड, आपको इसके अंदर गोल्ड नजर आ रहा होगा. तो दिस इज रियली गुड. आपने रोजाना रात को सोते हुए 3 से 4 ड्रॉप्स लगाने, दैट्स इट. यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके रिंकल्स जो हैं, आपकी फाइन लाइंस जो हैं, आपकी स्किन सैग जो हो जाती है, वो इससे दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी. तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ साथ हमेशा की तरह से, और आज एक नई प्रोडक्ट है बालों के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये राइस सिरम है. हाँ. राइस स्क्रब है. और ये मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप इस्तेमाल करें बिकॉज अक्सर लोग निदाई शिकायत करते हैं कि डल स्किन हो गई है आपकी और लथार्जिक हो गई. आप सारा दिन काम करती हैं या करते हैं, उसके बाद लगता है कि आपकी स्किन में वो पहले वाली बात नहीं. तो आपने हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा इसको इस्तेमाल करना है और इसके साथ आपने ये वाला राइस सिरम जो है ये यूज़ करना है. हमेशा की फॉरएवर यंगर लुकिंग स्किन के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए. 2 मरतबा आपने इसको इस्तेमाल करना है. स्किन वगैरह सारी आपकी फेस से रिमूव हो जाएगी. इससे बेहतर एक्सफोलिएटर निदा आई डोंट थिंक दैट देयर इज देयर. क्योंकि कभी-कभी मॉइस्चराइज करते-करते आपके एक परत सी आ जाती है. बिल्कुल. उसको रिमूव करना बहुत बेहतरीन होता. बिल्कुल बिल्कुल. मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत, इसको भी हमने इम्प्रूव किया. तो अपना हाथ ऐसे कीजिएगा. ऐसे? हाँ, बस थोड़ा सा एक ड्रॉप मैंने आपको दिया है. इसको लगाइए एंड फील इट. इसको स्मेल कीजिएगा. अच्छा, ये आपको बेबी पिंक स्किन देता है. अच्छा. लिटरली बेबी पिंक स्किन देता है. अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो ये आपको बेबी पिंक स्किन देगा एंड इट इज रियली 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 गुड. अच्छा. अच्छा, फिर कुछ लोगों ने हमसे ये कहा था कि बिकॉज यू नो दैट वी ओन एवेन्यू 5D एज वेल, हमारा वो भी है. तो कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा चलें, अगर मैं इस वक्त एजिंग की तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो मैं क्या करना चाहिए, कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं. तो उसके लिए हमेशा मैं एक बात रिकमेंड करता हूँ और डॉक्टर साहब भी रिकमेंड करती हैं, वो ये है कि आपने ये वाला सिरम जो, ये वाला जो एलोवेरा है, ये लगाना है. ये 99.99% ऑर्गेनिक है. ये आपने लगाना है और ये आपकी स्किन को टाइटनिंग देगा, फर्मिंग देगा और हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को। और आपने कोलेजन को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी सीरम जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये भी आपको जवान रख सकता है, सारी उम्र बेहतर रख सकता है, खूबसूरत रख सकता है, जो कि आप होते हैं। इसको मैं अगर आप इजाज़त है मैं इसे रख सकता हूँ सामने। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, तो इस तरह से ये है और इसको आप डे एंड नाइट लगा सकते हैं। आप डे के अंदर एलोवेरा लगा लें, रात को सोते वक्त ये लगा लें, दैट्स ऑल यू नीड। और आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहेगी। वो आप पौधा लेते हैं, उसके बीच में से काटते हैं, कभी कभार कांटे वांटे भी आ जाते हैं, वो इचिंग होती, तो इसलिए आपने ये एक फैसिलिटी फराहम की है, एलोवेरा जेल। बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड। अच्छा, एक और चीज़ होती है, हम टू टोनिंग का शिकार हो जाते हैं अक्सर, और ये होता है कि हमारी झाइयाँ पड़ जाती हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है। एक बात याद रखिएगा, पिगमेंटेशन एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसको आपने अगर पेशेंटली नहीं किया ना तो वो आपका कभी नहीं जाएगा। बहुत अक्सर लोग जिनके पे पिगमेंटेशन होती है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, सबर नहीं होता उनके अंदर। अच्छा, आपको सबर करना पड़ेगा, बिकॉज इररिस्पेक्टिवली आपको या तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे मशवरा करेंगे, और फिर उसके बाद अगर वो सुपरफिशियल से थोड़ा अंदर है तो फिर उसके बाद बहुत सारे और तरीके हैं जिसकी मदद से उसको निकाला जाता है। जी जी, लेजर वगैरह, वो भी तकरीबन 6 से 7 महीने लगते हैं। अच्छा, अगर आप पिगमा की और इस्तेमाल करते हैं, हमारा अगैन PCSIR सर्टिफाइड है, इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो 2.5 महीने आपको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना है। ये आपने उस जगह लगाना है जहाँ से आपकी टू टोनिंग हो गई है, झाइयाँ आ गई हैं। और नंबर आपके पास स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस पर आप कॉल करके इनको ये बता दें। ये आप अपने नकल्स पे लगा सकते हैं, गर्दन के पीछे लगा सकते हैं, यहाँ जो आपका एरिया हो जाता है, टी जोन का एरिया जो बन जाता है वहाँ लगा सकते हैं। 2.5 महीने से दीजिए और ये आपकी झाइयों को बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो दिस इज़ रियली 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 गुड। अच्छा, आज जो बड़ी खास बात है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि हमने ये नई क्रीम जो है ये इंट्रोड्यूस की है, इसको सिल्वर ग्लो क्रीम कहते हैं और ये इंस्टेंट फेयरनेस या ब्राइटनेस आपको देती है। दूसरी चीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस की है वो ये है हेयर मास्क। हेयर मास्क, हेयर मास्क, इट इज़ रियली 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 गुड। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को, ये नई है ना, नई है, ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू। और ये इसका टेक्सचर इट्स रियली गुड। थोड़ा सा आप इस्तेमाल करिए, बस मामूली सा, दैट्स इट। ये आप बालों के अंदर लगा लीजिए। अच्छा, ये बहुत थोड़ा लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ। और लगाने के बाद आपको 40 मिनट के बाद इसको धो लेना। ये लाइक हेयर सीरम सॉर्ट ऑफ कुछ होता है? नहीं, क्या कब लगाएंगे? अच्छा, ये आप कब लगाएंगे? ये आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। या तो आपके बाल वेट हों तो उसके अंदर आप लगा लें और लगाने के बाद 5 मिनट इसको इंतजार करें और फिर 5 मिनट तक लगा लें, फिर उसके बाद 40 मिनट्स के बाद धो लें। अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं, वरना आप ये कर सकते हैं। क्या होगा मतलब बालों में? आपके बाल फ्लफी हो जाएंगे, मतलब बाउंस आएगा आपके बालों के अंदर, आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं ये रिपेयर हो जाते हैं, आपके फिजीनेस खत्म होगी। यस एब्सोल्युटली, मॉइस्चर आपके बालों को मिलता है, स्कैल्प को मॉइस्चर मिलता है, आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। तो ये हेयर मास्क है एंड इट इज रियली 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 गुड। और आप डेली लाइक डैम्प बालों में once a week is enough, once a week। नहीं, ये आपका complete repair treatment है, कंप्लीट रिपेयर ट्रीटमेंट है। वंस अ वीक लगाइए और उसके बाद आप उसका मैजिक देखिएगा। पहली मरतब लगाने के बाद आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये क्या है, लिटरली लिटरली। तो आप इसको लगाइए, बहुत सेफ है। बस इतना याद रखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भी चीज़ लगाने या खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स ऑन बोर्ड होते हैं। वरना आपके जो अपने फिजिशियन हैं उनसे बात कर लीजिए, बिकॉज वो आपकी कंडीशन को, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो ये हेयर मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वंस अ वीक इस्तेमाल कीजिए एंड इट इज़ रियली रियली गुड। अच्छा, इसको आप अगर किसी को शिकायत है कि उसके बाल बिल्कुल, आप, मैंने हमेशा बात की है, बस नहीं आप दिखा दीजिएगा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम वेट लॉस की तरफ चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी साहब भाई आपके बाल बहुत अच्छे हैं। मैंने हमेशा अपने बालों में एक शेयर की थी, मैंने आपसे स्टोरी की, मैंने बड़ी स्ट्रगल की अपने बालों के साथ। निदा, मैंने 15 से 20 साल प्रोपेशिया से लेकर प्रोस्कार तक और रोगेन से लेकर कोई और जो चीज़ भी लग सकती है वो लगाइए। अच्छा। और खाइए। प्रोपेशिया मैंने 15 साल खाई है, फिर प्रोपेशिया पाकिस्तान में मिलना बंद हो गई थी तो मैंने प्रोस्कार की तरफ में गया और प्रोस्कार भी मैं खाता रहा हूँ 5 साल तक। फिर इसके बाद रोगेन तो 2 मरतबा लगाता था मैं, सुबह और शाम। उससे होता क्या था कि बाल बहुत अजीब से हो जाते थे। अच्छा, और इसका नुकसान ये है कि खाते रहें तो ठीक है, नहीं खाएं तो जितने बाल आते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं। तो मैं परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा रहा था कि कोई तो ऐसा होगा कि हेयर रीग्रोथ का परमानेंट सोल्यूशन कौन सा होगा। तो इसके हमें डॉक्टर्स हमें फ़ोन करके, वो डॉक्टर्स जो एस्थेटिकली बहुत साउंड है पाकिस्तान में, वो डॉक्टर्स हमें फ़ोन करके इसको मंगवाते हैं। तो दिस इज़ रियली रियली गुड। 7 ड्रॉप्स आपने लगाने हैं और आपके गंजपन का खात्मा हो जाएगा। 7 ड्रॉप्स ओनली, 7 ड्रॉप्स। और ये आप ट्रायल इसका, लेकिन प्लीज़ एक बात याद रखिएगा, अगैन मैं बार बार एक बात कहता हूँ, खुदा का वास्ता थोड़ा सब्र कीजिएगा। इवन अगर हमारी कंपनी में, मेरी कंपनी में भी कोई आपको ये कहता है आपके बाल आपके 2 वीक में आ जाएंगे, नहीं आते। इट टेक्स अबाउट 10 वीक्स, 2.5 महीने लगते हैं ना। तो बड़ा पेशेंटली गुजारा करें। 2 वीक में आपको थोड़ा रुआ फील होगा, 4 वीक में और ज़्यादा, 6 वीक में और ज़्यादा, 8 वीक में, 10वें वीक के बाद जब अपने बालों में उंगलियाँ फेरेंगे या फेरेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे बाल थोड़े से थिक हो गए। अच्छा, शैम्पू आप हमारा ही इस्तेमाल करें। मैं पहले रिकमेंड करता था कि आप दूसरा भी शैम्पू इस्तेमाल करें, लेकिन हमारा शैम्पू इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। इसी के साथ अभी कॉल करें, उनको सिर्फ ये बताइएगा कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। वो आपको शैम्पू भी रिकमेंड कर देंगे और साथ साथ आपको ऑयल जो है वो भी बता देंगे। बट दिस इज़ रियली गुड, ये हेयर सीरम डेफिनेटली काम करता है, डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज़ और है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं डाइट नहीं करता हूँ, और मैंने आपने यासर को दी थी, नहीं दी थी? नो, यासर शदीद वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट भी कर रहे हैं। तो आपने कहा था ना डाइट करते हुए नहीं देंगे। अच्छा, ये बिल्कुल सही किया। जब वो बोर हो जाएंगे डाइट करके, थक जाएंगे, दिल वो हो जाएगा कि आप कुछ खाना है, फिर यासर डाइट कैसे कर रहे हो? तो मेरी तरह से मैं भी डाइट नहीं कर सकता, कैसे वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब फिल्मों में काम करना है। इंशाल्लाह, 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 बेस्ट ऑफ लक टू हिम, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये उन लोगों के लिए नहीं है, फिर कह रहा हूँ, जो डाइट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो डाइट नहीं कर रहे हैं। इसके साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये आपके बेली फैट को कम करती है, ये आपका मसल बढ़ाती है, आपके बेली फैट को कम करती है। यहाँ से आप रिड्यूस हो जाते हैं, इधर से रिड्यूस हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपका जो टमी है वो चला जाता है। 1 महीने में 3 से 4 इंच का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन करना क्या, आपको 2 रिक्वायरमेंट्स इसकी, आपने टैबलेट एक ही लेनी है, 1 से ज़्यादा प्लीज़ एक्सीड मत कीजिए। 100% ऑर्गेनिक है, PCSIR से सर्टिफाइड है, तो कोई भी ले सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से मशवरा करें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, एक आपने टैबलेट लेनी है, सही, नाश्ते के साथ, नाश्ते के बाद ले लीजिए, और उसके बाद 14 से 16 ग्लास आपने पानी पीना है। ये सबसे ज़्यादा, इसके लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप 14 से 16 ग्लास पानी पिएं। जब आप 14 से 16 ग्लास पानी पी लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी जो है वो अचानक से रिड्यूस होना शुरू हुई। अच्छा, ओवरऑल वेट जो है उसकी रिडक्शन के अंदर काम आती है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप जितना भी खाना खा रहे हैं उसको पोर्शंस में बांट लें। 3 वक्त अगर खाते हैं तो उसको 6 वक्त कर लें, उतना ही खाना बस पोर्शंस के अंदर बांट लें, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काम कर सके, फास्ट हो सके। तो इसके अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो आपके वेट को रिड्यूस करती हैं। इसके दूसरे इफेक्ट्स जो हैं वो बड़े कमाल हैं। आपके जहन को मेंटल फोकस मिलता है, आपके एक अंदर एनर्जी की सर्च जो है वो आ जाती है। आजकल कोविड का दौर है, तो इम्यूनिटी जो बूस्ट होती है वो इससे वो बड़ी, आप खुद बहुत स्ट्रांग फील करते हैं अपने आप को। तो आप ये ले लीजिए, ये आपका 30 डेज़ के अंदर वजन घटा देगी, विदिन 30 डेज़। आप 2 वीक के बाद आपको वो तमाम कपड़े जो पहले नहीं आ रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता आपको आने लगेंगे, शर्ट्स जो हैं वो आपको दोबारा से आने लगेंगे। तो कोई वो तो कोई खुशखबरी है, परसेंटेज वगैरह डिस्काउंट आ जाए आप? अच्छा, अब एक काम करते हैं, अगर आप मेंशन करेंगे निदा का शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, तो विल गिव यू 10%। ओके भाई, उसकी सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, एंड ओनली योर शो, ओनली योर शो, ओनली योर शो। तो आप अभी कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के बाद आप ये ले सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो निदा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस नंबर पे कॉल ज़रूर करें और अपनी प्रॉब्लम को बताएं, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक अ फैमिली, नॉट कस्टमर्स। हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हमारी फैमिली हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपसे जिक्र किया था आप ही के शो में कि हम ईद मिलाद नबी पे कुछ करने जा रहे हैं जी, और वो एक बहुत बड़ा इवेंट है, आज से वो शुरू हो गया है। अच्छा, और अगले 24 महीने बहुत एक्साइटिंग है, जबरदस्त, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग। बेस्ट ऑफ लक अमूर के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं आप, और हमारे पास इंट्रोड्यूस कराते जाएं। थैंक यू सो मच। ये था आज का शो, उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत रिलेटेबल शो था। दुआ में याद रखिएगा, मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।